यथा यथात्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधाने तथा तथा वश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अञ्जनो संप्रयुक्तम्। श्रीशील भक्ति सिद्धांत, श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए जे वास्तविक दीक्षा ग्रहण, वास्तविक दीक्षा ग्रहण क्रिया और दिखावा दीक्षा दोनों एक नहीं है। वास्तव दीक्षा ग्रहण क्रिया और दिखावा दीक्षा दोनों एक नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा दिखा हुआ है लेकिन अभी तक दिव्य ज्ञान का उन्मेष नहीं हुआ, तो फिर कैसा दिखा हुआ हमारा? हमारा दिखा हुआ लेकिन अभी तक दिव्य ज्ञान का कोई उन्मेष हुआ ही नहीं, तो फिर हमारा कैसा दिखा हुआ? दिखा का मतलब ही है दिव्य ज्ञान का उन्मेष होना। अपराकित गुरु वैष्णव का कृपा से अपराकित जगत का जितना सारे ज्ञान सारे कृपा के द्वारा शिष्यों के हृदय में प्रकटित हो जाता। भागवत जी महापुराण में सुंदर सिद्धांत है, वहाँ बुलाओ साफा लिखा हुआ है, स्निग्ध शिष्य से गुरु वो गुज्जम उपयुतो। स्निग्ध शिष्यों को गुरुजी सारे तत्व ज्ञान सारे अनुभव दे देते हैं। तत्व ज्ञान को मुखस्थ करना एक बात है, आ अनुभव में उतारना अलग बात है। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कभी कभी कहते थे, वो लोग किसी ने आके बोला उधर भ्रमण गीता पाठ हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत सारे प्रेम की अवस्था फैले हुए हैं, चारों ओर प्रेम, भ्रमण गीता पाठ हो रहा है। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी हमारे बताए उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? उधर भ्रमण गीता पाठ हो रहा है, बहुत सारा श्रोता है, वक्ता भी बहुत सुंदर बोल रहा है, उधर मत जाना, वहाँ भागवत कथा नहीं हो रहा है, वहाँ टका 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 रुपया 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 हो रहा है, उधर जो जमीन है जो जगह बैठ के वो कथा कर कथा किया उसका 20 हाथ जमीन खोद के फेंक दे, अपवित्र हो गया, और फिर नया गंगा का माटी उधर लगा के गोबर का चौका लगा देना। बोले महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कह रहे हैं बड़ा अनुभव की बात, अजब की साधु इतना सुंदर परमहंस वैष्णव सोचे भी तभी बहुत आश्चर्य लग रहा है। महाराज जी बोले देखो बाजार से किताब लाओ, लाके बड़ा भारी मुखस्त कर लो, और बोले महाराज सब कुछ कर लो। गौर किशोर बाबा कह रहे हैं कि बाजार से वो लोग किताब लाए और सब मुखस्थ करें, सब कुछ करें, लेकिन अनुभव कहाँ मिलेगा? जो अनुभव है वो कौन देगा? मुखस्थ तो कर सकता, ठीक है चलो बाजार से किताब लाए, लेकिन जो डायरेक्ट अनुभव है ये अनुभव कौन देगा? बिना अनुभव शास्त्र ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। ये अनुभव जो है गुरु वैष्णव देते रहते हैं। आज इस प्रसंग को इसलिए उठाया, पिछले 2-1 दिनों से सृष्टि तत्व का विषय सांख्य योग इत्यादि चर्चा होते आए हैं,
पिछले कई दिनों से। शायद आपने सुने होंगे हम बताएं कि ब्रह्मा जी का दिखा हो गया है, ब्रह्मा जी का दिखा हो गया। किसने दिखा दिया? ब्रह्मा जी का दिखा हुआ, ब्रह्मा जी का दिखा किसने दिया? बोले सृष्टि तो कोई कुछ नहीं था, सृष्टि बनाने के लिए ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा जी को दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद ब्रह्मा जी का जो दिव्य ज्ञान का उन्मेष हुआ, और काम गायत्री का जो जप है जो दिए ठाकुर जी ब्रह्म संहिता में है, उसके द्वारा तमाम विचार ब्रह्मा जी के हृदय में स्वतः प्रकट हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पास तपन मिश्र गए थे, तपन मिश्र साधो साधन तत्व उसको कोई पता नहीं, बड़ा चिंतित थे बहुत दिनों से, और सपने में कोई देवता आकर बोले जाओ वो निमाय आया है, वही साक्षात परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म, उनका पास जाओ आपको सारे बता देंगे शास्त्रों। सुबह में आकर चैतन्य महाप्रभु का शरण लिए निमाय गौरांग महाप्रभु, साधु साधन तत्वों का बारे में बताया, तमाम दुनिया का जितना सारे सत्शास्त्र है, असत्शास्त्र नहीं है, निगम आगम पुराण सात्विक पुराण तामसिक पुराण आप समझ नहीं सकोगे, उसमें तो गुप्त रूप में ठाकुर जी का ही बात है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा। सारे विचार करते करते देखोगे वेद उपनिषद पुराण जो कुछ भी है उसमें है, श्री चैतन्य महाप्रभु बताए देखो सारे शास्त्रों का विचार यही आता है कि संबंध अविध और प्रयोजन, संबंध अविध और प्रयोजन यही काम है। संबंध अविध प्रयोजन के बिना कभी भी किसी का भजन हुआ है ये माना नहीं जाएगा। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने बताए बिना संबंध ज्ञान भजन ही शुरू नहीं होता, भजन का शुरुआत नहीं होता बिना संबंध ज्ञान। संबंध नहीं तो किसको सेवा करोगे, कैसे सेवा करोगे? और हमने पहले भी बता चुके कई कथा हुआ माँ ठाकुर जी का कृपा से, जे परीक्षित महाराज का दिखा कहाँ हुआ, ये सब बारे में प्रभुपाद जवाब दिया। प्रभुपाद जी ने बताएं दिखा शब्दों का अर्थ आप लोग क्या समझते हो, व्हाट यू थिंक? दिखा जो शब्द है इसके द्वारा आप क्या समझते हो, व्हाट यू थिंक? दिखा शब्दों का क्या माने है? श्रील परीक्षित महाराज का जिंदगी में ऐसे तो कृपा था ही, ठाकुर जी का कृपा, गर्भो मातृगर्भों में ठाकुर जी का दर्शन भी भय, जन्म के बाद भी ठाकुर जी को देखे, बड़ा आश्चर्य की बात है। और महाभागवत इसका जो लक्षण है विचार करके कई जगह भागवत में चार पांच जगह बताइए एशो महाभागवत, ये परीक्षित महाराज की पापुष्ट है गुरु वैष्णव का ठाकुर जी का, फिर भी अगर कोई समझे तो दिखा कैसे हुआ किसका पास, तो पौपात कहते हैं कि दिखा शब्दों का माने आप क्या समझते हो, तमाम भागवत जी महापुराणों में छानबीन कर विचार करके अगर देखो तो उसमें संबंधों विद्यो प्रयोजन ज्ञान यही तो मिलेगा। तमाम भगवत जी महापुराण का जो विचार है, तमाम भगवत जी महापुराण का जो विचार है, विचार करते 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 क्या मिले, अगर संबंधों अविध्य अप्रयोजन क्या है यही मिले। ये अगर ना मिले तो भागवत क्यों पढ़ा, किसका पास पढ़ा, ये प्रश्न आता है। तो परीक्षित महाराज जी
सुखदेव गोस्वामी जी को गुरु माने, गुरु पद में वरण किए और जोगी नाम परम गुरु, और जोगी नाम परम गुरु, योगियों में आप परम गुरु हैं। और शास्त्रों का एक बात है, प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे, मन नाथ जगन्नाथ मत गुरु जगत गुरु, मन्नाथ जगन्नाथ मत गुरु जगत गुरु, मन्नाथ जगन्नाथ मत गुरु जगत गुरु। हाँ, परीक्षित महाराज के जिंदगी में ऐसा ही भाव है। परीक्षित महाराज श्रीलो सुखदेव गोस्वामी जी को ही जगत गुरु मान के बैठे, और जोगी नाम परम गुरु इनके ही सामने अपना तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, जिसको हमने बताया था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांतों में, ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को रख दिया था हमने 7 दिन पहले, 7 दिनों से शायद कथा चल रहा है, तो 7 दिन पहले हम जो शुरुआत किए थे उसमें हम बता दिए, भागवत का बीच में जो चर्चा चल रहा था, अथो पृच्छामि संसिद्धिम जोगिनाम परम गुरुम पुरुष से हयत कार्यम मृियमानस सर्वथा, ये क्वेश्चन रखा था। इसके बाद ही ये भागवत का पूरा प्रवचन हमारा सामने आए। तो इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन रखा गुरु का सामने, गुरु जी का सामने प्रश्न रखा, प्रश्नों का उत्तर जो है उसी में तमाम भागवत शब्द ब्रह्म हमारे सामने प्रकट भए। और इसके द्वारा परीक्षित महाराज का जिंदगी में संबंध विधि और प्रयोजन ज्ञान का कोई कमी नहीं रह गया। आपका जिंदगी दीक्षा लेने के बाद भी कमी शायद हो सकता, क्योंकि हम किसी को अपमान नहीं कर सकता। हमारा फर्ज है वास्तव सत्य का कीर्तन करना, किसी को अपमान करना नहीं। अगर किसी का अंदर में कोई वीकनेस है, उसमें वो समझ लिया कि हमको अपमान किया है, तो ये मेरा नसीब खराब है, उसमें मेरा करने का कुछ नहीं है। श्रील परीक्षित महाराज जी पूरा भागवत जी महापुराण को श्रवण किए, श्रवण का बाद श्रील परीक्षित महाराज का जिंदगी में संबंध विद्युत प्रयोजन ज्ञान प्राप्ति का कोई कमी नहीं रहेगा, कंप्लीट हुआ था। यहाँ तक कि हम ये कह सके जो परीक्षित महाराज का दिखा, इट वॉज अ कंप्लीट दिखा, बट योर दिखा माई दिखा इज नॉट कंप्लीट। परीक्षित महाराज का दिखा कंप्लीट दिखा, जब भी सुने तब भी देहात्मो तो बुद्धि ऐसे ही नहीं था महाभागवत, और चुटकी लगाकर संसार जय कर और चले गए, इसी को ही बोलता है दीक्षा। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसका बारे में सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करें। जो श्लोक देखे मैं शुरुआत किया था वो है, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत पुण्य गाथा सवर्णो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजनो संप्रयुक्तम। इसका माने क्या है महाराज, माने बड़ा गंभीर है। माने ये है कि आप लोग संकीर्तन करते चलो, संकीर्तन नैव सर्वसार्थो अभिलभ्यते, संकीर्तन नैव, संकीर्तन इज द ओनली मोड, संकीर्तन जो है ये एकमात्र है। इसलिए बताया महाप्रभु जी ने, संकीर्तन नहीं वो, संकीर्तन करो, जब सर्वभौम भट्टाचार्य जो सब जय जब श्री सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने बड़ा भारी वेदांतों का चर्चा करने का साहस किया, हम तो उस चर्चा में अभी जाएंगे नहीं, बात प्रसंग आए तो जरूर जाएं। जब चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण कृपा भये तो हम जो बड़ा वेदांती है, बड़ा जगतगुरु, ये अभिमान हट गए, और सुबह में आकर चैतन्य महाप्रभु बोले साधु साधन क्या करे, महाप्रभु कहे कि संकीर्तन करो, संकीर्तन करते करते आपको सब मिलेगा।
चैतन्य महाप्रभु हर कोई को ये उपदेश देते थे, संकीर्तन करो अंतर से, ये नहीं कि बहाना किया, संकीर्तन का बहाना किया, बहाना कुछ संकीर्तन नहीं। इसका बारे में सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करें, संकीर्तन वास्तव किसी को बोल जा कि किसको बोला जाता है, कैसे संकीर्तन हुए तो ठाकुर जी पूरा संतुष्ट हो जाए, और ये संकीर्तन के द्वारा चेतोदर्पण मार्जन हो जाते हैं, और ऐसा सच हो जाता हृदय दर्पण इतना सच हो जाता है, उसमें ठाकुर जी का दर्शन भी होता है। यथा यथा आत्मा परिमिज्यत सौ मत्पुण गात सवनो विधान, ठाकुर जी कह रहे हैं यथा यथा आत्मा, आत्मा मतलब जीवात्मा का जो स्थिति है, जीवात्मा जो एट प्रेजेंट वर्तमान अवस्था में जो स्थिति है, इस अवस्था को हटाने के लिए संकीर्तन को अपनाएं, संकीर्तन करना शुरू कर दे गुरु वैष्णव का अनुगत में, अनुकीर्तन संकीर्तन मनमानी नहीं होता। और उसके बाद क्या हुआ बोले, इसमें श्लोकों में बताया, इस श्लोक में यथा यथा आत्मा परिमिज्यत सौ मत्पुण गाथा सुवर्ण विधान, हमारा अनंत आनंदमय जो कथा कीर्तन है वो कीर्तन करते 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 हरि कीर्तन हरि कथा कथा, काल भी चर्चा किया था सनातन गोसाई का वो श्लोक, सनातन गोसाई का वो श्लोक हम कल चर्चा किया था, याद है शायद आपको बोला था कि हरि कीर्तन करते करते कृष्ण भक्ति सुधा पाना, कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दोही को विश्रुति तेसाम पांच भौतिक देहो भी सच्चिदानंद रूप। और इस श्लोक में बताया यथा यथा आत्मा परिमिज्यत अशोक, आत्मा जैसे जैसे साफा होते जाता है, एकदम चिकना इतना साफा हो गया कि निर्मल, ऐसा होते होते क्या होता है, मत्पुण गाता सोवन विधान हुई, हमारा संकीर्तन हमारा रूप गुण लीला, संकीर्तन किसका, भगवान का रूप नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट इसी का कीर्तन करते करते ऐसा हो जाता जैसे किसका किसी का आंखें नज़र कम हो गया, नज़र में कम दिखता है, खराब हो गया तो नज़र में कम दिखे तो उसका लिए श्लोक में बताया कि जैसे अंजन, अंजन जो है जो सुरमा है, सुरमा लगाने से धीरे 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 आँखों का दृष्टि जो है, वो आँखों का जो दृष्टि है वो सही हो जाता, ऐसा ऐसा सुरमा है पहले ज़माने में था, अब तो अभी तो हम कह नहीं सकते, और लगाते लगाते आँखों का दृष्टि सही हो जाता है। ऐसे पहले ज़माने में आयुर्वेद में ममीरा बोल के एक चीज़ आता था, अब ममीरा जो कोई अगर यूज़ करे तो उसका आँखें इतना तगड़ा, लेकिन अब मिलना भी मुश्किल है। ऐसा बचपन में हम बचपन में छोटे छोटे जब, तब मैया ने काजल लगा देते, काजल की धारा आँखों में, हमारा जिंदगी में देखे बच्चा समय बहुत दिन तक दिए, तो ऐसा करते करते इस श्लोक में बताया जैसे आप हरि कीर्तन हरि कथा कीर्तन करते चलोगे पूरा जिंदगी में, गृहे थाको बोने थाको सदा हरि बोले राखो, जहाँ भी रहो जैसे भी रहो हरि कीर्तन हरि कथा मत छोड़ना, प्रपंच में नहीं परना, प्रपंच में परोगे तो इस विषय आपको खा लेगा, कोई फायदा नहीं होगा, बेकार वृथा हो जाएगा, और शांति शांति करके चिल्लाते हो संसार में अशांति है, शांति कहाँ मिलेगी। काल भी बताया था सुंदर घटना छोटे लाल जी का, महाराज शांति यही शांति कहाँ मिलेगी, बोले शांति यही मिलेगी तो मथुरा धाम है, बड़ा अजब सा घटना है। तो बाद में वो जो माने किया था शांति का, अपना पत्नी का नाम शांति थी, शांति
और पत्नी को ढूंढ रही है कहाँ शांति। अरे महाराज जी ने सोचे शांति तो शांति है, भजन करने से शांति आता है। बाद में जो भजन शुरू किए, हरिनाम किए, सचमुच उसका जिंदगी में शांति छा गए। ऐसा शांति है उसको आप जाओ, आप बड़ा साधु मानोगे अपने को, हम बड़ा साधु है, वो तो कुछ नहीं जानता। जाओ उसको लोभ दिखाओ, देखो कुछ नहीं होगा। आज तक उसको कोई लोभ दिखा के कुछ नहीं कर सका, वो एक ही अवस्था में है, जैसा था वैसा ही था। कब हम ऐसा हो गया था, एक दिन ट्रेन पकड़ने के लिए जाए, आज से 16-18 साल पहले का बात है। तब झोपड़पट्टी जैसा था, टूटा हुआ एकदम, ये सब नहीं था, कुछ नहीं था। और महाराज जी प्रकट थे, उसका गुरु जी अरण्य महाराज। और ऐसी समय हमने गया कि उसका प्रसाद हो गया, हम गया कि उधर थोड़ा शुद्ध प्रसाद मिले माधुकुरी का, वो खा, वो प्रसाद पाके ट्रेन में चढ़ेंगे। और कुछ नहीं है तो तुरंत हमको देख के, हमारा साथ एक वैष्णवी था, तुरंत देख के वो उठ के खाना पीना सब छोड़ के चले गए फिर भिक्षा लेने के लिए। वो धूप, कड़ा धूप, उसमें जाके फिर भिक्षा लेके आए शुद्ध घर से ब्रजवासी, फिर हमको खिलाए ये सब। और आज तक भी वो एक ही विचार से गुरुजी का सेवा, कुछ नहीं जानता, बोका है, ठीक है बोका है, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तो उसका जिंदगी में कोई अपराध नहीं है। कम से कम उसका जिंदगी देखो, हम तो उसको बहुत प्यार करते, क्यों, वो साधु है, साधु है और निश्चल है, जो छल कपटी नहीं है। कोई लोभ दिखाओ वो लोभों में पड़ेगा नहीं, एक अवस्था में चल रहा है। और उसका गुरु जी उसको कृपा किए है, जब ही जमा के बैठे हैं, कोई सभी तो कोई कोई साधु जमता नहीं है, एक बात कोई डांटे नहीं है एक जगह, वो डांटे तो चंचलता आ जाता है, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो ये जो बात है, इस बात को हमने स्पष्ट किया, जो अंजन लगाने का माफिक, अंजन लगाने से लगाते जैसे आंखों में सूक्ष्म वस्तु भी दिखाई पड़ता है। ये श्लोकों का इनर मीनिंग क्या है, अंतर्दृष्टि से देखो, विचार करो इस श्लोकों का, श्लोक का क्या माने, माने ये है, आज जो आपका स्थूल दर्शन है, आज आपका दर्शन क्या, स्थूल दर्शन है, मोटा देखते हो, काल भी बताया था हंसते हंसते, जहां जहां नेत्र परे रक्त मांस स्फुले, राय महाशय को महापुरुष ने बताया, जहां जहां नेत्र परे तहां कृष्ण स्फुरे। ये राय महाशय राय रामानंद के लिए, लेकिन हमारा लिए क्या व्यवस्था है, हमारे लिए कैसा क्या ऐसा व्यवस्था है, बोले जहां जहां नेत्र परे तहां कृष्ण स्फुरे। काल भी एक बात हम बताया, शायद आप लोगों का अंदर में दुख हुआ होगा, हमको मालूम नहीं, हम ये बताया था कि आप जो गायत्री मंत्रों को जप करते रहते हो तो आपका अगर जिंदगी में अपराध है तो गायत्री मंत्र मतलब प्रचोदयात, गायत्री में एक शब्द आता है प्रचोदयात, प्रचोदयात मतलब प्रचोदना, हमको प्रेरणा दे, इंस्पिरेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्पिरेशन एक्चुअली, हमको अगर प्रेरणा ना दे तो हम भजन नहीं कर सकता, हमको अगर प्रेरणा ना दे तो हम भजन कैसे करें। ठाकुर जी प्रेरक होता है, ठाकुर जी बाहर में रहता है साधुगुरु वैष्णव का रूप में, अंतर में चैत्य गुरु रूप में, बाहर में विग्रह रूप में, ग्रंथ का रूप में, और हमको लुभाता है, इंस्पिरेशन हर वक्त हमको प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। अगर प्रेरणा ना दे तो किसी भी गुरु का, आपका गुरु जितना भी बड़ा हो, जितना बड़ा क्यों ना हो, इसमें हमारा कोई तर्क वितर्क नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँ कि आपका जो गुरु जो भी हो, लेकिन आपका मुश्किल है, क्यों, कि गुरु जी का वास्तव अनुगत करो तो गुरु जी के द्वारा ही हृदय में गुरु गायत्री, काम गायत्री, ये सब इसके द्वारा, गायत्री मतलब प्रचोदना, आपको प्रेरणा देंगे, प्रेरणा के द्वारा हम भजन करते रहेंगे। हम ये बताया था
जो लोग अपराध करते रहते हैं वो लोग का जिंदगी में प्रेरणा बोल के कोई चीज है नहीं। वो लोगों का जिंदगी में दे नेवर फील एनी काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। क्यों? भले वो गुरु और वैष्णव तत्व को अलग देखा और गुरु में भी मर्तबुद्धि किया, मर्तबुद्धि किया गुरु में, तो इसलिए इसका इसका कोई वो दिखा ऐसे करता है, वर्ड शब्दों को बोलता है, लेकिन शब्दों बोलने का साथ साथ शब्दों का अंदर में जो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म नॉट गिविंग एनी रिएक्शन इन टू हिज बॉडी, हार्ट नॉट बॉडी, हृदय में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, मंत्रों करते ही चलता है। 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, बस अपराध ऐसा किया है को इसका हृदय में मंत्रों कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। ऐसा तो नियम है मंत्रों लेने का साथ साथ गुरु जी का, अगर मंत्रों लेने का साथ साथ नियम है गुरु जी आपको मंत्रों का माने समझाए। आजकल का जमाने में ऐसा दिखा है कोई गुरु मंत्रों का माने नहीं बोलता, नियम नहीं है ऐसा, वो लोग तो मेरा सा मेरे को दुश्मन समझे, क्योंकि हम सच्चा बात बता, ओ हम बोले ऐसा दीक्षा का कोई वैल्यू नहीं है, दीक्षा का माने बोलना पड़ेगा, दीक्षा ये मंत्र बोला, महामंत्र क्या है, गुरु का सब मंत्रों का माने जो है ये सब धीरे धीरे बताना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा, बाद में रियलाइजेशन हो भजन करते गए तो सम्मुख अनुभव में आ जाएगा। लेकिन बिना अर्थ मंत्र का मुश्किल है। तो किसी का हृदय में हम बोला तुम्हारा हृदय में प्रेरणा नहीं दे रहा है ठाकुर जी, इसीलिए तुम अपराध कर रहे हो, तुम अपराध कर ले उसको प्रेरणा नहीं आ रहा है। एक उदाहरण दे दे हमने, भले बदमाश दुष्ट दुर्योधन, दुर्योधन जो है दुष्ट दुर्योधन का जिंदगी में कभी कोई अच्छा प्रेरणा नहीं मिला। क्यों? वो दुष्ट है, उसका हृदय जो है कलुषित है दुर्योधन का, और ये दुष्ट दुर्योधन इतना सुंदर व्यवस्था हुआ इतना, फिर भी उसका हिंसा ही है, और वैष्णव लोगों का विरोध किया, जो लोग वैष्णव लोगों का विरोध करता है वो पखंडी बन जाता है, पखंडी, पशु से भी नीचे चला जाए, पशु से भी नीचे, पशु भी उतना खराब काम नहीं कर सके, पखंडी लोग ऐसा करें। कई प्रमाण है, शुद्ध ब्राह्मण था, उसका बाद जो पखंडी हो गया तो भागवत को जलाया, मंदिर तोड़ा, बहुत सारे, काला पहाड़ का नाम सुने हैं, काला पहाड़ का नाम सुने हैं आप, काला पहाड़ पूरा ब्राह्मण का पूरा ऊंचा, उसका पिताजी उसको फेंक दिया, जाओ आप, तो मुसलमान से भी ज्यादा खतरा बन गया था। तो पखंडी लोग पहले तो आश्रय लेता है गुरु वैष्णव में, अपराध करने के बाद उसका दिल इतना हिंस्र हो जाता है, एक शेर का अंदर भी एक टाइगर का अंदर भी इतना हिंस्रता नहीं है, ऐसा हो जाता है। इस विषय में हम चर्चा करेंगे बाद में। तो अभी जो बोलने का विषय है तो सावधान करने का, दुर्योधन कुरुक्षेत्रों में अपना जो उरु है, उरु भंग होकर पड़ा हुआ है, और तब ये सच्चाई को बताया था, ये जो सच्चा बात को बताया था, भले हमारा दिल में अच्छा चीज का कोई प्रेरणा ही नहीं आता, ठाकुर जी हम क्या करें, कृष्ण को बाद में बताया हैं, भले हमारा जिंदगी में अच्छा चीज का कोई प्रेरणा ही नहीं आता तो हम क्या करें, भले बताया सुंदर करके, ओ जथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसे आप नियुक्त करते हो हमारा हृदय ऐसे ही, जैसे हमारे हृदय में अच्छा काम करने का कोई प्रेरणा ही नहीं आता, बुरा काम करने का ही प्रेरणा आता, हम क्या करें, इससे हम ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी जो जिसका अपराध हुआ है ठाकुर जी भी व्यतिरिक इनडायरेक्टली उसको, जैसे पद्म पुराण में है जो शंकर भगवान को बताए, शंकर भगवान को बताए तुम ये धरती पे जाओ जगत पे जाओ, शंकर हो साक्षात शंकर,
और मायावाद सिद्धांत को प्रचार करो, जैसे कि ये असुर राक्षसों को भक्ति बोल का जो अमृत है वो नहीं मिले, हमसे दफा हो जाए, ऐसा शास्त्रों का विचार उठाओ, उसी में वो लोग लग जाए और भक्ति से हट जाए। क्योंकि हमको इच्छा नहीं है लोगों को भक्ति दे, क्योंकि भक्ति अमृत है। मई भक्ति ही भूता नाम अमृतत्वाय कल्पते, हमारा ऊपर जो भक्ति है, हमारा ऊपर जो भक्ति है यही अमृत स्वरूप। कृष्ण भगवान साक्षात बताएं जा हमारा जो भक्ति है यही अमृत। मई भक्तिर ही भूतानम अमृतत्वाय कल्पते, अमृत क्या चीज है, भले स्व अमृत स्वरूपा, भक्ति स्व अमृत स्वरूपा। ये जो है भक्ति अमृत स्वरूप। और ठाकुर जी बोले मई भक्तिर ही भूतानम अमृतत्वाय कल्पते, ये असुर लोगों को वंचित करना है, इसलिए शंकर जी को भेजे। और फिर इस जगत का जो असुर भाव, असुर आदमी है, असुर भाव रखता है, लोगों को विमुख कर दिया, गुरु वैष्णव भगवान से पूरा विमुख कर दिया, ऐसा करके वंचित की। तो इधर जो काल चर्चा का विषय था, आज भी थोड़ा बताए अंतकरण कैसे शुद्धि हो, काल सांख्य योग का थोड़ा व्याख्या हो रहा था और सृष्टि का चर्चा, इसमें बताए 24 तत्व पहले बताए, उसके बाद 28 तत्व को भी उठाए थे, 24 के बाद और चार तत्व। इसमें जो अंतकरण का गठन है, जिसको आप अंतकरण कहते हो, इसका नाम है क्या है, अंतकरण कहते हो ना, अंतकरण, ये जो अंतकरण का गठन है, एक अंतकरण ही चार कामों के, चार विषय, चार फंक्शन में लगता है, चार विषय में। एक ही अंतकरण सूक्ष्म देहो जो है, सूक्ष्म जो देहो है, सूक्ष्म शरीर का क्या गठन है, भले मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतकरण का गठन है मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही अंतकरण का फंक्शन है, चारों किस्म का एक ही अंतकरण चार किस्म का फंक्शन है, कैसे, भले मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पहले क्या होता है, चित्तों का मतलब है वह अट्रैक्शन, चित्तो ऐसे ही व्याख्या करो तो इसमें अट्रैक्शन आकर्षण बोल के एक चीज है। चित्तों का काम है बाहरी जिस चीज को आप देखोगे उसका, किसी का किस चीज को ऊपर आपका प्रभाव पड़ गया तो उसका खिंचावट हो, तो चित्तों में थोड़ा खिंचावट अनुभव होता है, चित्तों का काम है। चित्तो दर्पण का सदृश हो, बाहर का कोई भी चीज देखो हो तो ऐसे तो उदास होकर देखते रहते हो, लेकिन जिस विशेष चीजों में आपका ध्यान है, ये देखे लोभ है, वो सब चीजों को देखो हो तो आपका चित्तों में एक खूब उपस्थित हो, चित्तों में आकर्षण। बाहरी दृष्टि का कोई सौंदर्य, कोई डांटी चीज, घृणा चीज, क्योंकि जगत में ये स्वाभाविक है, कभी घृणा कभी अट्रैक्शन, अर्थात आकर्षण विकर्षण, जिसको प्रभुपाद शब्द दिया, प्रभुपाद जी ने व्याख्या किया, इट इज क्वाइट नेचुरल, ये जगत का जो आदमी है इसका किसी वस्तु से नफरत है, किसी वस्तु से उसका लगन है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन रिपल्शन ये रहता है, क्योंकि ये बद्ध जीव है, ये बद्ध जीव है, इसलिए अनात्म वस्तु का जो प्रतीति रिफ्लेक्शन हृदय के अंदर गिर रहा है। वास्तव में शुद्ध आत्मा जो है इसका ऊपर जड़ जगत का किसी विषय का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए,
उदाहरण भी हमने दिया था, एक पेड़ जलाशय का निकट खड़ा हुआ है, ये जलाशय, जलाशय का ऊपर ये पेड़ का प्रतिबिंब पड़ा है पानी के अंदर, और हवा का झोंका आया तो पानी जो है ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया, तो लगता है जो पेड़ है वैसा हिल रहा है, पेड़ जैसा है ऐसा हिल रहा है। लेकिन वास्तव बात तो ये है, ना तो पेड़ हिल रहा है, ना तो पेड़ का कोई अनिष्ट हुआ, ना तो पेड़ का साथ पानी का कोई टच हुआ, नथिंग हैपन्स, बट इट सीम्स, लगता है कि पानी का अंदर पेड़ है, तो पानी से जरूर स्पर्श हुआ होगा, और उसमें पानी का जो धर्म है कंपन आदि हवा के द्वारा वो सब पेड़ों का ऊपर आरोपित हो रहा है, इट सीम्स, इट इज एट्रीब्यूटेड, नॉट एक्चुअली देयर। ये जो एट्रीब्यूटेड क्वालिटीज आरोप किया गया, ये आरोप किया वस्तु नित्य जगत में जाना चाहो तो चलेगा नहीं, अब इसको फेंको पहले। आरोप किया हुआ जो चीज है ये नित्य जगत में अपराकृत जगत में चलने वाला नहीं है, तो ये आरोप किया जो वस्तु है उसको फेंको पहले। अनात्म वस्तु का प्रतीति आत्म वस्तु का अंदर हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, और हृदय के बारे में जब व्याख्या किया और संखोजोग का व्याख्या करने वजह इतना गंभीर विषय, तो बीच बीच में हमको चैतन्य चरितमृत में जाना पड़ता है। राधा रानी का एक सुंदर बात, राधा रानी का कुरुक्षेत्र में इस बारे में प्रसंग में दशम स्कंद में बताएंगे, अब तो थोड़ा बात को उठाया बस इतना ही है। वहाँ राधा रानी उतना प्रेम का साथ बात को कही थी, अनेर हृदय मौन मोर मौन वृंदावन मने बने एक कोरी मानी, दूसरे का हृदय जो है विषय में विषय का कचरा रहता है, विषय का दूसरे का जो हृदय है, दूसरे का जो हृदय है, हृदय में सारे दुनिया का कचरा बैठा हुआ है, और वो वही कचरा को वो हृदय मन के बैठा। लेकिन जब हृदय निर्मल होते होते वृंदावन का पूरा प्रतिच्छवि साधकों का पूरा हृदय को ग्रास कर लेता है, पूरा तमाम हृदय को जैसे राहु चंद्रमा को ग्रास करते करते पूरा ग्रास कर लेता, ऐसा कृष्ण नामक जो अमृतमय राहु है, कृष्ण नामक दशम ग्रह, ये जब हमारा हृदय के पूरा ग्रास कर ले तब ऐसा अवस्था हो जाए कि कृष्ण छोड़ के कुछ है ही नहीं, और कृष्ण कहाँ रहता है, वृंदावन छोड़ के कोई है ही नहीं। ये कहने का मतलब ये है कि राधा रानी कह रही कि दूसरे के हृदय में जो है वो है, उसका हृदय में जो चीज है वो हृदय में भरा हुआ है, लेकिन जो हमारा हृदय है वही वृंदावन है। मानो कि मेरा हृदय को बिछा कर जैसे शतरंज बिखा कर आप बैठे हुए हो, मेरा हृदय को बिछा दिया, इसी का नाम वृंदावन, और उसमें आप लीला करते रहते हो। श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर जीव को बताए कि अनिर हृदय मोर मौन मोर मौन वृंदावन मने बनिया एक करी मन, हमारा हृदय जो है वही वृंदावन है, वृंदावन जो वही मेरा हृदय है, अब कुछ है ही नहीं। तो जब आपका हृदय ऐसा हो जाए कि आपका हृदय में जगन्नाथ श्याम सुंदर छोड़ के और कुछ वस्तु है ही नहीं, तो हम क्या बताएंगे, आपका हृदय में कोई कचरा है नहीं, हृदय निर्मल हो गया। इसी विषय के ऊपर ध्यान देना, हम इस विषय के ऊपर ध्यान देना। तो ये जो अनात्म वस्तु का प्रतीति अनुभव आत्मा को ऊपर पड़ रहा है, और आपको कभी दुखी कभी सुखी ये सब बनाते चलते हैं, ये उचित नहीं। जो सिद्ध महात्मा लोग रहते हैं उसका जगत का किसी वस्तु का प्रभाव इसका हृदय पर पड़ता नहीं है, वो देखते रहते, किसी गाली देता है, किसी ने सम्मान करता है, कुछ भी करता है, ये जगत का किसी विषय का ऊपर इसका कोई ध्यान नहीं है, ध्यान तो है वृंदावन पर, और चुपचाप वो देखते रहते हैं। मानो कि लगता है कि इसका शरीर अलग है वो अलग है, सिद्ध महात्मा का लक्षण है
वो अपना शरीर का जो प्रभाव है सब जो कुछ है प्रकृति का प्रभाव मुक्त होकर देखते रहते हैं प्रकृति क्या कर रहा है, करने दो प्रकृति क्या कर रहा है करने दो, उसमें हमारा कुछ नहीं आता जाता, ऐसा है। ऐसा करते करते विचार उठा था जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो कंस्टिट्यूएंट अंतःकरण का जो गठन है, इसमें हमने बताया था कि चित्त जो है बाहर का कोई एट्रैक्शन देखे, कोई वस्तु देखे, इसमें चिपक जाता है, एट्रैक्शन आता है, तो होने के बाद चित्त खोबित हो जाता है। खोबित होने के बाद वो मन इथर जैसा है, मन एक तो ऐसा वस्तु है, मन को देखा नहीं जाता, लेकिन काल सृष्टि तत्व में हमने व्याख्या किया था मन का भी उत्पत्ति हुआ था, कल बताया था महत्त्व से विकार प्राप्त होकर गुणों का डिसबैलेंस हुआ, उसका बाद सात्विक गुण विकार प्राप्त होकर उसमें से आधिकारिक इंद्रिय अधिकारी देवता लोग और मन का उत्पत्ति भाई। तो यू कैन नॉट सी व्हाट इज माइंड, मन क्या चीज है देखा नहीं जाता, बट यू कैन फील, आप अनुभव कर सकते हो। पंजाब में ज्यादा लोग मायावादी पहले थे, अभी तो थोड़ा भक्ति का प्रभाव आ रहा है। परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज का पास एक व्यक्ति आता था, बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी, समाज का इम्पोर्टेंट, हमारा इम्पोर्टेंट नहीं, और वो लोगों ठाकुर का ऊपर उतना विश्वास भरोसा रखते नहीं, और मन को देखा नहीं जाता, कोई विश्वास ही नहीं करता कुछ। सिलग होते हुए तो माधु गोस्वामी में तो कई प्रश्न किए, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं भाई। तो नेक्स्ट डे आया देर करके, तो महाराज जी ने कथा का बात पूछा कि सिंह जी आप देरी करके क्यों आए हो, बोले आज मन भर हमारा मन बहुत खराब है आज, इसलिए। बोले आप झूठा बोल रहे हो, नहीं हमारा मन आज सचमुच खराब है। महाराज फिर कह रहे आप फिर झूठा कह रहे हो, नहीं झूठा बोल रहे, मन हमारा बहुत खराब है। बोले झूठा नहीं बोल रहे हो, मन को देखा कभी? अरे महाराज मन को तो देखा नहीं, तो मन को देखा नहीं तो क्यों बोल रहा है मन खराब है? आपका मन खराब है हमको कैसे पता चले, हम विश्वास नहीं करेंगे मन है आपका। बोले महाराज मन को फील किया जाता, तो ठाकुर जी भी ऐसा है, आपका सामने आप देख नहीं सकते हो, लेकिन जो अनुभव वाले जो संत महात्मा हैं वो देखते रहते हैं। दिव्य सूर्यगण तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो दिविवो चक्षुरार्थम, आंखों को फाड़ फाड़ कर गुरु वैष्णव को देखते रहते, शुद्ध गुरु वैष्णव। गुरु वैष्णव जो है और भगवान को देखते रहते। तद विष्णु परम पदम, विष्णु का जो परम पद है, गौरांगो का जो परम पद है, ये पद का दर्शन तात्कालिक नहीं है, कंटिन्यूअस, इसमें कोई छेद नहीं है कि आप दर्शन हुआ दो घंटा बाद फिर दर्शन खुलेगा, पर्दा लग गया, नहीं पर्दा नहीं लगता है। गुरु वैष्णव के हृदय में हर वक्त तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो दिव्यो चक्षुरार्थम, जो दिव्य सूर्यगण, दिव्य सूर्यगण महात्मा लोग, जो दिव्य सूर्य ऋषि मुनि, वो लोग हर वक्त ठाकुर जी का दर्शन करते रहते हैं, ऐसा नियम है। तो आप मन को देखते नहीं हो तो फिर ये तो माने नहीं हो कि मन को देखते नहीं तो मन नहीं है, मन नहीं है तो माने नहीं हुआ, मन को देखा नहीं जाता इसका मतलब तो ये नहीं कि मन नहीं है, मन आपका है। बोला महाराज तो पक्का बात बता दियो आपने, हम हाँ ठीक मन है। तो ये मन है, मन कैसा है, चित्तों को दर्पण का माफिक उदाहरण दिया, किसी जाएगा ये जो चित्तों को स्वच्छ पानी का माफिक उदाहरण दिया, पानी में जैसे वृक्षों का प्रतिफलन पड़ा है ऐसा ही पानी का अंदर तो वृक्ष नहीं है, पानी का अंदर वृक्ष है क्या? पानी का अंदर तो वृक्ष नहीं है, लेकिन वृक्षों का प्रतिफलन पड़ा, तो ये उदाहरण पकड़ लो, तो वृक्षों का प्रतिफलन पानी में गिरा है, पानी का अंदर वृक्ष बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वृक्ष नहीं है, बिखो बिखो का जगह है वो, पानी पानी का जगह है, पानी छानबीन करो कुछ नहीं है।
तो ये जो भिक्षु है बोलकर जो महसूस होता है, इट सीम्स, अनुभव होता है भिक्षु है, इसी का नाम है जड़ जगत का विषय का प्रतीति। तुम्हारा स्वच्छ दर्पण रूपी जो चित्त है, इसका अंदर में विषय का प्रतिफलन गिर के चित्तों को खोबित किया। और चित्तों को जब खोबित किया करने का साथ साथ हमने बचपन में भी देखे, बड़ा उदम मचाते थे, खेलते थे, बदमाशी करते थे, पानी में नहाते थे छलंग लगाकर, बहुत बड़ा बड़ा लेक था उधर। और वहाँ क्या ग्रीष्म टाइम में, गर्मी के टाइम में, गर्म का छुट्टी है स्कूल का और बहुत बदमाशी करने का और ज़्यादा टाइम है, और जाके पानी में कूदो, इधर उधर भागो, और देखते थे स्वच्छ निर्मल जलाशय है, उसमें एक ईंटा उठाया, ईंटा उठाकर पानी के अंदर में ऐसा मारा तो देखा पानी के अंदर गिरा तो ऐसा तरंग उठते रह गया, बीच में एक टो पत्थर को गिराया, बचपन में खेला ये सब, बचपन में पत्थर मारा और ढील मारा तो देखा तरंग उठते रहे। आज ये जो खेलकूद किया उसका अनुभव आज हो रहा है, अब तो बदमाशी किया, उस समय में ये अनुभव नहीं था कि देखो क्या चीज है, गहरा सोचने वाला चीज है। वो जल तो स्थित था, उसमें पत्थर गिरा, पत्थर नमक विषय गिरा तो उसमें तरंग उत्थित हुआ। ये मन जो है, मन क्षोभित हो गया, मन भी, मन मन जो है उसमें तरंग आना शुरू कर दिए। मन, मन का काम है संकल्प और विकल्प, मन का काम क्या है, संकल्प और विकल्प मन का काम है। संकल्प करना ये वस्तु हमको चाहिए, ये वस्तु हमको नहीं चाहिए, संकल्प और विकल्प, अट्रैक्शन रिपल्सन, ये दोनों चीजें चित्तों में पहले आता है विषय, विषय का चिंतन, विषय का विषय जो भावना, उसके बाद वो मन को खोवित करके मन का ऊपर तरंग फैला फैला देता है। और जो मन है वो मन अभी क्षोभित हो गया, मन का काम है संकल्प विकल्प, हमको ये वस्तु चाहिए चाहिए, हमको चाहिए बस, किसी भी हालत से हमको चाहिए। ये जो बात है इसका बारे में ही गीता में भगवान ठाकुर जी ने सुंदर बताया, जे विषय में लगन लग गया, लगने का बाद धीरे धीरे खोबित होते 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 उसका बाद राग होता है, द्वेष, अहंकार, ये सब बहुत सारी चीज है। धायतो विषाण पुंसाम संगस्ते सुपजायते, जो चीजों का ऊपर आप ध्यान दोगे ज्यादा उसी का संग आपका हो जाएगा। संग संग शब्दों का संगो यो संसते रहतो असस्व विहितो धिया स एव साधु सुकृतः मोक्षदारम अपावृतम, दो श्लोक दो जाएगा भागवत का, दोनों को मिलाकर बताया कि जो आपको आपको समझ में सुविधा है, ऐसे तो गलती नहीं है, दोनों जगह से एक एक श्लोक का एक एक लाइन लिया सुंदर। बोले आप ये संघों का बारे में भी दो दिन पहले हम बताया था, इस संघ का मतलब है प्रीति विनिमय, किसी का साथ, किसी वस्तु और व्यक्ति का साथ प्रीति विनिमय हो गया तो उसी वस्तु में आप उलझ जाओगे, अट्रैक्शन आ जाएगा क्योंकि उसका चिंतन करते रहते हो। इसी का बारे में गीता में ठाकुर जी ने बताया, धायतो विषाण पुंसाम संगस्ते सूचे उपजायते, संज्ञात संज्ञायते काम, कामात क्रोध उपजायते, क्रोधात भवति सन्मोह, सन्मोहात स्थिति विभ्रम, स्थिति विभ्रंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात पुनसंग, जो वस्तु का चिंतन हर वक्त करते रहोगे उसका संग हो जाएगा प्रीति, और वो प्राप्ति में, अगर वो प्राप्ति में बाधा आ गया, अगर वो चीज प्राप्ति में बाधा आ गया तो आपका दिल में गुस्सा पैदा हो जाए। ये लोग का वस्तु हम प्राप्ति करना चाहते उसमें किसी ने बाधा दे दिया तो उसका साथ हमारा लड़ाई लग जाए एकदम मुक्का मुक्की। क्यों? क्योंकि वो आकर्षण का वस्तु हमारा प्राप्ति में विघ्न हुआ। ये जो मन जो है संकल्प विकल्प,
और संकल्प विकल्प मन करते रहते हैं, और इसमें से निर्णय लेना जो है ये डायरेक्टर है बुद्धि, बुद्धि का नाम है डायरेक्टर, बुद्धि का नाम है डायरेक्टर। डायरेक्टर जानते हो, डायरेक्टर जो है वो डिसीशन लेता है, हाँ, प्राप्ति का उपाय बताता है बुद्धि, बुद्धि है डायरेक्टर। ये बुद्धि वो वस्तु को प्राप्ति करने का रास्ता बताता है, बुद्धि वो डायरेक्टर है। ये बुद्धि का काम है कैसे वस्तु को प्राप्ति करे, ये नाम है, हो गया। इसके बाद जो है मन बुद्धि चित्तो, उसका बाद रह गया अहंकार। ये अहंकार है, ये अहंकार अगर नहीं रहे, अहंकार जरूर रहेगा कोई भी जीवात्मा हो, अगर वो सिद्ध महात्मा है उसका अंदर में अहंकार होगा। बोले क्यों? बोले हाँ, अहंकार बिना जीता ही नहीं कोई, उसका अंदर में शुद्ध अहंकार है। सिद्ध महात्मा का अंदर में अहंकार जरूर है, लेकिन उसका शुद्ध अहंकार है, आपका शुद्ध अहंकार नहीं है। आपका अहंकार जो है वो शुद्ध नहीं है, लेकिन सिद्ध महात्मा जो उसका भी अहंकार है, हम कृष्णदास है, हम कृष्णदास है, ये अभिमान है। ये जो शुद्ध अहंकार ये होनी चाहिए। वस्तुतः जीवों का अंतकरण में ये छुपा हुआ है, छुपा हुआ ये जो भाव है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्योदास, कृष्णों का सेवा करना ही इसका स्वाभाविक धर्म है, लेकिन उससे विच्छुत हो गया, बिखर गया। तो जीव का स्वरूप में डूबा हुआ है ये जो भाव है, ये कोई नया नहीं है, असिर्फ भजन पूजन संकीर्तन इसके द्वारा, ये जो भजन है ये पद्धति के द्वारा इसका डिस्कवर आविष्कार करना, यही तो काम है। भजन करने का मतलब है इसका आविष्कार करो, यही तो काम है। नित्य सिद्धो कृष्ण प्रेम साधो को बुनोए सुवर्णादि चित्ते स्वयं करो उदय हो जाता है। नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम जो है वही साधन करके आप लाओगे, इस विषय में हम चर्चा करेंगे दशम स्कंद में। तो अभी जो है इसमें देखो, ये अभिमान अहंकार जो है जड़ जगत का हर प्राणी का अंत, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका अहंकार नहीं है, सबका सबका अंदर में, सब प्राणी का अंदर में अहंकार तत्व जरूर होगा। किसी का अंदर में छुपा हुआ है, किसी में प्रकाशित है, लेकिन अहंकार तत्व के बिना होता नहीं। तो ये जो चित्तो बताया, ये चित्तों का अधिष्ठाती देवता है वासुदेव, चित्तों का, और बुद्धि का जो अधिष्ठाती देवता है इसका नाम है अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न। और जो मन है इसका अधिष्ठाती देवता कौन है? बल इस अनिरुद्ध, इसका नाम है अनिरुद्ध। और शंकरसन है क्या? अहंकार का जो तत्व है उसका अधिष्ठाती देवता। ऐसा करते करते आप जो चतुर्भुह है उसका ही विषय हमने बताया, वो हृदय में सूक्ष्म जो शरीर है उसका गठन, उसका फंक्शन जो है एक ही अंतकरण, ये एक ही अंतकरण का जो गठन जो है, गठन का अलग अलग सा जो फंक्शन है उसका बारे में हम बताया। और ये सब फंक्शन जो है आपका हृदय में अनुभव में आ जाए, काल भी बताया था दो पुरुष रहता है एक शरीर का अंदर, दो पुरुष रहता है, एक है जीवात्मा एक है परमात्मा, दोनों ही पुरुष, दोनों पुरुष रहते, एक है क्षुद्र पुरुष एक है परम पुरुष, एक है परमात्मा परम पुरुष और दूसरा है क्षुद्र पुरुष छोटा, एक है माया के प्रभाव में हिलने वाला, माया का चक्कर में बह जाने वाला तत्व है, और एक है किसी भी हालत किसी भी अवस्था में अच्युत, जिसका कोई परिवर्तन नहीं हुए उसका नाम अच्युत। ये जो भाव बताया, एक तो है परमेश्वर परम आत्मा जो है,
ये परमात्मा बन के हृदय में है, परमात्मा है, और ये जीवात्मा जो है वो जीवात्मा भी पुरुष है। ऐसे तो पुरुष का व्याख्या हमने किया था, जे पूरे अर्थात शरीर में बैठे हुए हैं जीवात्मा, उसका नाम पुरुष। और भी एक व्याख्या होता है, पूरे देहे वसती इति पुरुषः। अतः हर शरीर में बैठे हुए जो आत्मा है जीवात्मा, उसका नाम पुरुष। और परमात्मा तो पुरुष है ही है, परम पुरुष, परमात्मा, परमात्मा, आत्मा नहीं। तो ये पुरुष का और भी माने होता है वेदों में, उपनिषद में, पुरुषाकार। पुरुषाकार मतलब हमारा भोगने का जो वृत्ति हमारा है, ये हमारा चीज है, हमको ये चाहिए, ये सब वृत्ति जो है इसको बोला पुरुषाकार। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया, अपना पुरुषाकारों का ऊपर भरोसा करके जब तक चलोगे ठाकुर जी नहीं मिलेगा। निजो चेष्टा बलपति भरोसा छिया तुम्हार इच्छा याची निर्भर करिया। निजो बलो चेष्टापति भरोसा छिया, इसका ही नाम है अपना पुरुषकार का ऊपर, जो अपने अभिमान के ऊपर भरोसा छोड़ दो। तो ये भी एक किस्म का पुरुष का मतलब है जो भोक्ता। पुरुष का और एक माने है, ये जो माने बताया इसका नाम है भोक्ता। जो भोक्ता है उसका नाम पुरुष। तो भोक्ता तो एकमात्र तो परमेश्वर भगवान छोड़कर कोई नहीं है, ठाकुर जी एकमात्र भोक्ता। अनंत ब्रह्मांड में जितना सारे चीज है, आंखों का आंखों में दिखाई पड़ता और नहीं पड़ता कुछ भी है, सारे ठाकुर जी का सेवा का उपकरण है। इसका बारे में हम चर्चा करेंगे सायंकाल में, जब भी है। ये जो देखो, ये जो का हम शिष्ट हम जो बताया सांख्य तत्व में क्या क्या चीज बताए, ये सब ध्यान रखना, बार बार बताया नहीं जाएगा। तो ये जो है अंतकरण जो है रेगुलेटर हो रहा है, मूल मन का जो मूल अधिष्ठाती देवता किंतु अनिरुद्ध है, मूल एकदम ओरिजिनल। लेकिन हमारे प्रपंच में जन्म हुआ, इस प्रपंच में ये मन का अधिष्ठाती देवता चंद्रमा हो गया, इसलिए मन अगर चंचल है बोला महाराज हमको एक ये चाहिए, लगा देता है ना, मुक्त तो लगा दो, ये सब कोई समाधान नहीं है। हाथ में अंगूठी लगा दो, ये लगा दो, इसमें कोई गुरु वैष्णव का अनुगत तो करो तो मन का मन तो ऐसे ही बस हो जाए, नियम है। कोई पत्थर पत्थर लगा दो तो उसमें तो विश्वास नहीं है माना जाएगा, विश्वास कहाँ है, यही ना जो भी है। तो ये जो है, ये जो है इसका ऐसे ऐसे विचार है। तो हमने बताया था जो आपका काल कर्म जीव, काल कर्म जीव इत्यादि बताया था। इसका बाद महत्व तत्व का बारे में तो पहले ही बताया था। ये सब जो चीज है धीरे धीरे एक एक करके हमने व्याख्या की ठाकुर जी का कृपा से। अब ये सोचो कि ये सारे जो तत्व है, 28 तत्वों का जो चर्चा हमने की, काल कर्मों ईश्वर जीव ये सब जो तत्व है, तमाम तत्वों, ये 28 तत्वों को छानबीन करके विचार करने में, हम तो थोड़ी बताए, हम ताल की काल तन्मात्रों का विषय किया और पंचभूत का विचार किया, फिर आज ये तन्मात्रों जो हमारा अंतकरण में प्रभाव फैलाने वाला है, इसका बारे में मन का अंतकरण, अंतकरण का गठन का बारे में चर्चा की। ये सब धीरे धीरे हम चर्चा करने के बाद आपका सामने एक क्वेश्चन रख दिया कि अब सोचो कि संखा संको तत्व का जो काल कर्म, काल कर्मो ये जो गुण है प्रकृति का, उसका बाद जीव जो है, ईश्वर जो है, अदृष्ट, सब चीजों को सामने रखते हुए धीरे धीरे विचार करो तो गुरु कृपा अगर हो जाए, परिपूर्ण गुरु कृपा। ऐसे तो सांख्य तत्व का विषय में पढ़ाई लिखा करके बहुत सारे सांख्य तत्वविद हो गए, लेकिन वादी है वो, विद नहीं है। सांख्य तत्व वादी लेकिन विद नहीं है, क्यों? उसका अनुभव में नहीं आया। सांख्य तत्व के ऊपर सांख्य तीर्थ, सांख्य दर्शन के ऊपर तीर्थ उपाधि प्राप्त किए,
लेकिन उसका जो अनुभव है उन अनुभव में नहीं उतारा। तो हम हमारा कहने का मतलब है गुरु वैष्णव परिपूर्ण कृपा कर दे तो सांख्य तत्व का अगर अनुभव हो जाए तो गुरु जी का काम क्या है। गुरु जी का पहला काम है संबंध तत्वों का उपदेश करना। गुरु जी का पहला काम है जो शिष्यों का अंदर में संबंध ज्ञान का जो अनुभव करा देना। अगर संबंध अगर नहीं होते नहीं हुए तो भजन शुरू नहीं होगा। तो ये संबंध ज्ञान जो है, हमने तो संबंध ज्ञान छोटा छोटा बोला, ये जो संबंध ज्ञान है ये टोटल जो हमने संख्य तत्व पर जो चर्चा किया ये तमाम चीजों का साथ आपका जो रिलेशन है तमाम, मैं कौन हूं, माया क्या है, ईश्वर क्या है, माया का साथ ईश्वर का क्या संबंध है, हमारा साथ माया का क्या संबंध है, ये दूसरे जो जीव है इसका साथ मेरा रिलेशन क्या है, वो जो मेरा अदृष्ट है ये क्या कर रहा है, हमको डाल देते हैं मुसीबत में, काल कर्म गुण सब कुछ ऐसा। हम युधिष्ठिर का बारे में, युधिष्ठिर महाराज जब अफसोस किए कि अंधो धृतराष्ट्र गांधारी महाराज चले गए, इस बारे में हमने नारद जी का उपदेश बताया था, काल कर्मो गुणाधीनो देहो अयम पांचो भौतिक कथम अन्यांग सुगोपाय सर्पग्रस्त जया अपरा, इस बारे में हम चर्चा किया था बहुत दिन पहले प्रथम स्कंदों का। यहां बताया था क्या, ये काल कर्मो गुणाधीनो देहो अयम पांचो भौतिक, काल कर्मो गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिक, किसी भी आलस से आपको छुटकारा नहीं है। इतना जबरदस्त बंद है, लॉकिंग है, तो उसको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। फांसी का फंदा हिंदी में बोलते हैं, फांसी का फंदा लग गया ठाकुर जी, हाँ इससे छुटकारा कैसे मिले। काल कर्मो गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिक, काल कर्मो और गुणावली प्रकृति का है, सारे हमको बंध के रखा है, हम कहां जाए। और लिंगो देहो जब तक भंग ना हो जाए तब तक आपका कोई शांति नहीं मिले। कीर्तन में, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन में, हरिनाम का कीर्तन में आया था सुंदर कीर्तन, हम उस दिन भी बताया था, ईश्वर जागर आपका अंदर में ठाकुर जी का नाम का जो थोड़ा स्फूर्ति हो जाए तो क्या होगा, लिंग भंग होय अनायासे, लिंग देंगो भंग हो जाए, रैप्चर हो जाए, लिंगो देहो का जब तक रैप्चर ना हो जाए तब तक आपका जिंदगी में शांति बोल के कुछ चाहे चीज नहीं मिलेगी, होगा नहीं। तो ये जो काल कर्मो गुण ये सबका साथ मेरा संबंध क्या है, जब आपका अनुभव में आ जाए तब आप दृष्टा अभिमान जो है, पोपा जी इस विषय पर चर्चा करते, हम सायंकालीन अधिवेशन में हो सके तो चर्चा करें, दृष्टा अभिमान पुरुषों का दृष्टा, ये दृश्य है हम दृष्टा है, जब आपका अनुभव आ जाए हम तो दृष्टा नहीं है ठाकुर जी स्वयं दृष्टा है, तब आपका बंधन मुक्त हो जाए, यही बंधन है बड़ा मुश्किल। और ये सब तत्व जानने के बाद आप विचार करोगे संबंध क्या है हमारा, ठाकुर जी का साथ संबंध क्या है, माया का, सारे संबंध ज्ञान का हजारों चीज है, विशेष करके शंखो युग का जो तत्व हमने एक एक करके अलादा बताया, ये सारे मिलकर आपको जबरदस्ती जेल खाने में रखा है। सारे तत्व जो है आपको जैसे लगता है कि सारे पकड़ कर, सब तत्व जो है ये अनुभव में आए तो धीरे धीरे बंधन आपका छूट जाए, बस और कुछ नहीं करें। ये जो है देवाहुति मैया कोपिल भगवान जी को ये सब बारे में प्रश्न करते रहे, कोपिल जी महाराज उत्तर दे, जीवों का दुख का कारण है वो भोक्ता, पुरुष बन के बैठे, ये पुरुष का शब्दों का व्याख्या किया, पुरुष मतलब भोक्ता, पुरुष शब्दों का एक माने होता है जो भोक्ता है उसका नाम पुरुष, किसको भोक्ता है, बोले प्रकृति को भोक्ता है,
प्रकृति और पुरुष जो योग है इसको, प्रकृति पुरुष जो विवेक है इसको ध्यान से समझने का कोशिश करो, पागल का मापिक बैठो मत। ये पुरुष और प्रकृति ये दोनों हैं, इसमें हमने बताएं कि जगत में जो पुरुष और स्त्री बन के बैठे हुए हैं, तमाम जो बैठे हुए हैं, कोई पुरुष बन के बैठे, कोई स्त्री बन के, असली विचार तो ये है कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं, सब प्रकृति है। ये जो शरीर है सब उधार किया हुआ है, ये जो शरीर है हमने उधार लिया है, तुम्हारा नहीं है, ये शरीर को उधार लिया है, प्रकृति का चीज है। तो ये शरीर जो है ये प्रकृति है। आप पुरुष कौन है, पुरुष के बारे में व्याख्या हम पहले ही कर दिए, पुरुष है श्री पर अखिलेश्वर परमात्मा बन के जो अंदर में बैठे हैं, और क्षुद्र जीव जो अनुचैतन्य जो है वो हर हालत में माया का बस में जाने वाला है और मुश्किल है। ये जो अवस्था है इसमें हर जितना शरीर दिखाई पड़ता है दुनिया में, सारी जो चीज है इसका नाम है क्या है, प्रकृति। जो चीज दिखाई पड़ता है दुनिया में सब, और इसका अंदर में जो अनुप्रविष्ट होके जो रहता है उसका नाम है पुरुष। समझा मेरा बात। चेतन अचेतन जो कुछ भी चीज है सबका अंदर में, किसी का अंदर में चेतन तो सब वस्तु में, चेतन छोड़ के है ही नहीं, लेकिन चेतन किसी वस्तु में गुण रूप से गुप्त रूप में किसी जगह प्रकाशित है। इस बात का चैतन्य महाप्रभु प्रमाण दिया, कृष्ण भगवान प्रणाम प्रमाण दिया। जिस पत्थर को चैतन्य महाप्रभु स्पर्श किया वो विगलित हो गया, चैतन्य महाप्रभु जहां खड़ा होकर जगन्नाथ का, तो वो विगलित हो गया, विगलित हो गया था। इसका माने क्या है, कृष्ण जब बंशी ध्वनि किया तो पत्थर पिघल गया, इसका मतलब क्या है? बोले चेतन अचेतन जो आपको आपका विचार में है, स्थावर जंग स्थावर जंगम आदि सब ऐसा हो जाता कि भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म व्याख्या की सुंदर, तो सारे जगत प्रपंच जो है उस प्रपंच में जितना सारे वस्तु है उसमें चेतन किसी का विकसित है, किसी का लुप्त चेतन है, किसी का अर्ध विकसित चेतन है, संकुचित चेतन है ना, संकुचित चेतन सुप्त चेतन, संकुचित चेतन सुप्त चेतन क्या है, गुप्त चेतन है, पत्थर आदि सब गुप्त चेतन है सब। और ये जो पेड़ पौधा है वो संकुचित चेतन प्रकाश नहीं है ज्यादा, और आच्छादित चेतन जो है आच्छादित चेतन संकुचित चेतन, उसका बाद फिर बाद में विकसित चेतन पूर्ण विकसित चेतन, अर्थात चैतन्य महाप्रभु का साथ परम चेतन वस्तु का साथ संयोग हो जाए तो पूर्ण विकसित चेतन। इस अवस्था में ही भजन का जो विषय है अनुभव में बड़ा आनंद, परम चेतनमय जो चैतन्य वस्तु चैतन्य महाप्रभु उसका साथ संयोग हो जाना और सेवा में लग जाना, यही भजन का अल्टीमेट मकसद है और कुछ नहीं है। तो ये तमाम दुनिया में जीवों का जो सुख और दुख बोल के जो दो चीज अनुभव करते रहते, जैसे उपनिषद में उपनिषद से हमने बताया था, जो श्वेतस्वतर उपनिषद में बताया गया, एक वृक्षों का ऊपर दो पंछी बैठा हुआ है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। कौन से वृक्ष, भले कौन से वृक्ष है, बल्चे संसार रूपी वृक्ष, संसार रूपी जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्षों का एक डाल पे दो पंछी बैठा हुआ है, एक तो वृक्षों का फल आहार करते और दूसरा जो पंछी हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं करते, फिर देखते रहते। एक का काम फल का भोग करना, वही जो फल भोग करता है संसार का सुख और दुख, फल का नाम क्या है और एक सुख और दुख, ये दोनों जो फल को आहार करते हैं इसका नाम है जीवात्मा, और देखते रहते जो उसका नाम है परमात्मा। ऐसा जो सुख और दुख को भोजन भक्ति वो जो भक्तृत्व हम भोगी है हम भोक्ता है, ये जो अभिमान है यही अभिमान जीवों को बंधन में डालने वाला है।
और इसका अगर अनुभव हो जाए सही ढंग से तो धीरे धीरे ये तत्व का सारे जो तत्व हमने बताए इसका अनुभव आ जाए महाराज ये सब क्या है, तो फिर जीवों का हृदय में विमल आनंद बंधन दशा छोड़ जाए। ऐसा करते करते क्या हो, प्रकृति पुरुष विवेक का बारे में थोड़ा बताओ। इसलिए हमारा जो तत्वविद है हमारा दर्शन में तत्वविद लोग जो है बताए, कभी संसार अगर करोगे कभी भोक्ता बन के नहीं रहो, चाहे स्त्री हो स्वामी हो कोई भी हो, एक दूसरे का भोग करो ऐसा बुद्धि मत रखो, रखने से क्या होगा सत्यानाश हो जाएगा। दोनों ही प्रकृति है, अंदर में जो बैठा हुआ है आत्मा है वो पुरुष है, लेकिन वो सोचता है कि हम पुरुष है, पुरुष शरीर मिला इसको स्त्री शरीर मिला ये नित्य नहीं है। दोनों शरीर से आत्मा निकलकर अगर आसमान में इधर रहे तो कौन स्वामी था कौन स्त्री था कैसे पता चलेगा, पता नहीं चलेगा ना, कौन पुरुष था कौन स्त्री कौन स्वामी कौन स्त्री पता चलेगा क्या, पता चलेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मा निकल के ऐसा खड़ा हुआ है किसे पता नहीं। ऐसा करके भोक्ता बुद्धि बिल्कुल छोड़ दो और करके धीरे धीरे सांख्य तत्व विज्ञान का जो उपाय है उसको समझो। इसके बाद कपिल जी महाराज अष्टांग योग का विषय में बताए कि कैसे कैसे योगी कैसे कैसे क्या करता है, इस विषय में हमारा उतना इधर प्रयोजन नहीं है इस विषय को चर्चा करने का। और अष्टांग योग का विषय में निरुपाधि स्वरूप ज्ञान कैसे होता है इस योगों का द्वारा, इसका भागवत में इसका धीरे धीरे बताए, इसका एकाध श्लोक हम कह सकते हैं। चित्त जब स्थिर हो जाता है, अष्टांग योग का मूल विधान है कि तमाम चित्त निरोध हो गया और ध्यान धाता ध्यान ध्येय वस्तु पर ध्यान लगा दिया और ध्यान करते करते जब डूब गया अको होश नहीं समाधि हो गया, समाधि में ठाकुर जी का दर्शन हो सकता। ये जो है इस विषय ही है धीरे धीरे बताया गया, हम तो थोड़े में बता दिया कि ये अष्टांग योग का ये सब विषय है, उसमें आसन प्राणायाम ध्यान धारणा आदि सब अष्ट विषय है, इसको धीरे धीरे अष्टांग योग विधि है। और एक विचार हम ये कहना चाहें तो अच्छा है, बहुत सारे आदमी उल्टा विचार करता है कि संत महात्मा जो है उन लोगों को प्राणायाम आदि करना चाहिए, प्राणायाम आदि जो है वो प्राणायाम का द्वारा हृदय शुद्ध रहता है, ऐसे तो संकीर्तन का द्वारा होता ही है, फिर भी संन्यास लेने का बाद ब्रह्मचारी लोग भी अगर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 3 बजे तो उठो कम से कम, उठे अगर 5 बजे आरती का टाइम में भाग के आए दूषित शरीर लेके ये तो होगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा। तो ये जो प्राणायाम है इसके द्वारा चित्तोवृत्ति का थोड़ा संशोधन होता है, ऐसे तो संकीर्तन के द्वारा ही हो सकता, लेकिन ये करे तो इसमें चित्त स्थिर हो जाता है, इसमें मन भी लगता बहुत अच्छा। इस विषय में है भगवान खुद बताए ये जो प्राणायाम आदि उसका रिचन कुंभक प्राणायाम आदि जो सब भी है ये करने से चित्तवृत्ति थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता है, ये करना उचित है, इसमें शरीर भी निरोग रहता है, शरीर को निरोग रखना उचित है। जो खाना मिला वो खा लिया, अरे महाराज जो खाना मिला वो खा लिया, जहां जो कुछ मिला खा लिया, और उसके बाद शरीर असित हुआ, हमारा प्रेशर हुआ हाई प्रेशर हुआ शुगर हुआ, हमारा सुबह को हांटो जल्दी 20 किलोमीटर हो गया ना चक्कर, पहले तो प्राणायाम नहीं किया, बोले महाराज प्राणायाम कहाँ कब करे समय नहीं है, आप डॉक्टर ने आपको लगा दिया सेवा में शरीर का सेवा में, आप नहीं हाटो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो शुगर हो गया बस हाटो, अब ठाकुर जी को सेवा ठाकुर जी का सेवा कैसे हो पाएगा। ऐसा करते करते चित्त जब निरोध होके बिल्कुल स्थिर हो जाए समाधि में ठाकुर जी का दर्शन भी हो सकता है। प्रसन्न बदनाम्बोजम पद्म गर्वारुणीक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम, कैसा बताया भाई, हृदय का अंदर में ठाकुर जी का दर्शन होगा, कैसा दर्शन,
प्रसन्न वदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलोद्यलश्यामं शंखचक्रो गदाधरं लसद पंकोज किंजलको पीतो कौसेय वाससं शिवत्सवक्षसं भ्राजत कौस्तुभामुक्तो कंदरम मत्तो दिर्योफकलया परितम वनमालया परार्ध हार वलयो किरीटांग दो कुंक किरीटांग दो नूपुरम। ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप का दर्शन हो, ठाकुर जी का रूप है, हाथ कंग हाथ में बाजू बंद है, कितना सुंदर रूप है, सारे प्रसन्न वदन और नील उत्पल जैसा एकदम मरकत, इतना सुंदर वर्ण, ऐसा ही दर्शन हो, बल्कि दर्शनीय तमम, दर्शनीय वस्तु में सबसे अनोखा वस्तु है, दर्शनीय तमम शांत्यम मनोनयनो वर्धनम, मन का रुचिप्रद, हृदय का रुचिप्रद, मन का आनंददायक, हृदय को पिघलने वाला, दर्शनीय तमम शांतम मनोनयनो वर्धनम, ऐसा दर्शन होगा। अपिव्य दर्शनम शश्यत सर्वलोक नमस्कृतम आर संत्यम वयसी कौशरे भृत्तो अनुग्रह कारकम है कीर्तन बचन कीर्तन तीर्थ जससम पुण्य श्लोक जसस्करम आध्याय देवम समग्र अंगम जावत न चबते मनहा। माँ माँ को बोल रहे हैं देवाहुति जी को, पूरा ठाकुर जी का नखरा बिंदु से ध्यान शुरू करो, ठाकुर जी का नखरा बिंदु से ध्यान शुरू करो, धीरे धीरे ठाकुर जी का गुट, ठाकुर जी का गुटली जो पैर का चरण कमल, उसके बाद ऊपर से घुटना, घुटना से ऊपर उठो, धीरे धीरे पूरा नाभि स्थल, बक्ष स्थल, कंठदेश, पूरा ठाकुर जी को दर्शन करो। जब ऐसा दर्शन हो तो आपको तो आपका हृदय कैसा होगा, अष्टांग योग का अगर सिद्धि हो तो उसमें ऐसा होता है। जत सौच निश्रित सरित प्रवर्धकेण तीर्थेन मूर्धि अधिकृतेन शिव शिव अभूत धातुर मनो समल शैल निशिष्ट वर्जम निशिष्ट वज्रम धायेत चिरम भगवत चरणारविंदम। कैसा ध्यान किया, जत सौच निश्रित सरित प्रवर्धकेण तीर्थे नमोधिकृतेन शिव शिव अभूत ध्यातुर मनो समलो सहिलो निश्रिष्ट वज्रम धायेत चिरम भगवत चरणारविंदम। बल्कि कैसा है, भले जो चरणारविंद से गंगा जी निकल के आई, जिस चरण खराबिंद से गंगा जी का उत्पत्ति हुई, जत शौच निशिष्ट प्रवरोधकेण उदक पवित्र उदक, ये जो गंगा पानी जो शौच, भले कैसे, भले ठाकुर जी का पैर को धुलाए ब्रह्मा जी, सत्ययुग में आए ब्रह्मा का ऐसा करके मुंडल देके धुलाए, वो धोते हुए पानी अभी आए धरती में गंगा, इसलिए बताया जत शौच निशिष्ट प्रवर्धकेण जत शौच निश्रिष्ट जत शौच निश्रित जत शौच निश्रित प्रवर्धकेण तीर्थे न मूर्धिकृत कृत बल्चन तीर्थे न मूर्धिकृते न शिव शिव अभूत। शिव जी महाराज जिस गंगा जी को जटा में धारण करके शिव उपाधि प्राप्त किया, कैसा उपाधि, शिव शिव मतलब मंगल, शिव 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 मतलब सुबह में उठकर शिव शिव करोगे, गुरु वैष्णव का नाम
शिव ठाकुर बड़ा वैष्णव है तो मंगलदायक। जत शौच निश्रित सरित प्रवरोधकेण तीर्थेन मूर्धिकृतेन शिव शिवाहुत। शंकर जी भगवान जटा का अंदर में गंगा जी को पकड़ लिया, इसका दाव उसका नाम हो गया शिव शिवाहुत। ऐसा जो ठाकुर जी है पवित्र, और जैसे शिव शिव हुआ वही चरण जो व्यक्ति हृदय के धारण करे और उसके मन, इसका जो मन रूपी पर्वत है उसके ऊपर वज्र लग जाए। जैसे प्रभुपाद जी कभी कभी बताते कि हृदय के ऊपर वज्रो मारो, वज्रो हरिकथा रूपी हरिकथा का डिनामाइट मारो, प्रभुपाद बोलते थे। तुम्हारा हृदय पाषाण जैसा हो गया, पाषाण भी नहीं वज्रोलेप हो गया, उसको मारो डिनामाइट मारो, प्रभुपाद जी का बात है। मारते मारते फाड़चीर कर दो, नहीं तो होगा नहीं। आज सर्वम भट्टाचार्य जो के ऐसा कृपा किया, सर्वम भट्टाचार्य जो पुरुषोत्तम धाम में बोलते रह गए, जो तर्क शास्त्रों में हमारा हृदय लोहा का पिंड जैसा था लिखा हुआ है। सर्वम भट्टाचार्य जो खुद बताए कि तर्क शास्त्र मायावाद विचार करते करते हम लोहे का मापिक इनर्ट निश्चिष्ट वस्तु बन गया था, उसी हमको तुमने एकदम द्रवीभूत कर दिया। हाय हाय, सर्वम भट्टाचार्य रोते हुए बोला हम तो लोहे जैसा था। अरे बाप रे बाप, मायावाद विचार में हम पुष्ट था और कोई तर्क वितर्क में मैं सियाल जैसा था, हुआ हुआ करते थे पहले। खुद बोले सर्वम भट्टाचार्य जी, हम तो गीदर जैसा हुआ हुआ करते थे पहले, आप चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो गया और हमारा दिल ऐसा हो गया कि क्या बताए, ऐसा ही कर देते। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा प्रभाव है, जो जो ठाकुर जी का चरण कमल को ध्यान करोगे इसके द्वारा आपका हृदय का जितना सारे पाप है ताप है जो कुछ भी है ये तो सारे हट जाए, तो मामूली बात है। यहां तक कि ठाकुर जी का चरण कमल जो ध्यान करे ठाकुर जी उसको आत्म विक्रय करता है, आत्मे को निजी अपना शरीर अपने को दे देता है, बिक्री करता है। लिखा हुआ है भागवत में आएगा, सुदामा विप्रो का प्रसंग आएगा, जिसका चिंतन मन में आने का साथ ही ठाकुर जी क्या करता है अपने को दे देता है। भगवान का चरण को धारे तो पद कमलानी आत्मनम उपी जाति, हृदय में ठाकुर जी का चरण कमल का ध्यान करो तो आत्मनम उपी जाति है, धायतो पदकमलानी आत्मनम उपयच्छति, आत्मे को अपना जो है अपने को दे देता है, बस जो हमको बिक्री कर दिया तेरा सामने, ऐसा करके ठाकुर जी बिक्री कर देता है। तो ऐसा करके जो तुम्हारा भक्ति अगर आगे बढ़े, सांख्य योग का विशेष उद्देश्य है, कोई अगर उल्टा सोचे तो सांख्य विज्ञान को मुश्किल है। सांख्य का अल्टीमेट उद्देश्य है भक्ति योग का बारे में आपको बताना, भक्ति योग का बारे में बताना ही ये सांख्य योग का अल्टीमेट उद्देश्य है। लेकिन कई आदमी सांख्य योग को उल्टा व्याख्या करता है, सांख्य योग के बारे में उल्टा व्याख्या करता है। इस बारे में कपिल जी भगवान स्वयं भी बोले हैं, भगवान कहें इधर कालो प्रभाव संसार का घोर, इसमें बताया भगवान ने बताया भक्ति योग बहुविधो मार्गैर भामिनी भवते स्वभाव गुण मार्गेन पुंसाम भावो विविद्वते। हे भामिनी माँ को, देवावती मैया को कह रहे, ये भामिनी ये जो भक्ति योग बहुविधो, भक्ति योग के बारे में हमने उद्धार किया दो एक श्लोक। भक्ति योग का लक्षण कैसा है, बोले भक्ति योग का ऐसा लक्षण है वो जैसे नदी बहती हुई गंगा नदी जैसे एकदम पूरा समुन्द्र की ओर जा रही है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कैसे रुकेगा, रोकना मुश्किल है इसको।
ये जो निरवच्छिन्न जो गति है हृदय का ठाकुर जी का ओर जाने का जो ये व्यवस्था है, इसका ही नाम है वास्तव भक्ति। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी विद्वत भावते। ये भक्ति योग जो है ये भी कई किस्म का है। बृहद भागवतम मृतम में सनातन जी दिखाया, हमने पहले भी बताया था, भक्ति एक किस्म का नहीं है। पंच पांडवों का भक्ति का विशेष है, फिर हनुमान जी का भक्ति का विशेष है, नारद जी का भक्ति का विशेष है, शंकर भगवान का भक्ति का विशेष है, हनुमान जी का भक्ति का विशेष बोला, फिर उसके बाद जादवगण जो है वो भी भक्ति का, उसका भी विशेष है, हैं, उसके बाद ब्रजवासी का विशेष है। सारे ब्रजवासियों में हजारों विभेद है, एक एक अनुभव का तरतम विचार जो है, एक एक विषय का अनुभव का तरतम विषय का ऊपर पूरा प्रतिष्ठित है। ये भी ये जो चीज है भक्ति, कई किस्म का, हजारों किस्म का। इसलिए कपिल जी भगवान बताए, भगवान वाचो भक्ति योग बहुविधो मार्गैर भामिनी भावते स्वभाव गुणो मार्गेण पुंसाम भावो विविध्यते। एक एक व्यक्ति का, एक एक जीव का भक्ति का एक एक किस्म का भाव जो पैदा होता है वो पूर्व संस्कार और वर्तमान भजन का ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ऐसा करके अभी बता रहे हैं कि अभिसंदायो जो हिंसाम दम्भो मात्सर्यमेव वा संग्रम भी भिन्न दृग्भावम मोई कुर्यात सो तामसः। अभी तामस भक्ति कैसा है, भक्ति तो असली नहीं है। अभिसंदाय को भी अभिसंधि लेकर, अभिसंदायो जो हिंसाम दम्यम मात्सर्यमेव वा संग्रम भी भिन्न दृग्भावम मोई कुर्यात सो तामसः। हिंसा करके, दम्भ करके, मात्सर्य करके, उसका ऊपर कंसेंट्रेट करके जो भक्ति करता है वो तामस भक्ति है। इसका बाद राजस भक्ति दिखाया, उसका बाद सात्विक भक्ति, उसका बाद निर्गुण भक्ति, सारे एक एक करके सब बताया। बहुत चीज है और हमको चौथा स्कंद में जाना ही है। कुछ भी कहो, नहीं जाए तो होगा नहीं। मदगुण सुति मात्रेण मई सर्वो गुहासई मनोगतिरविच्छिन्ना जथा गंगाम्बद गंगाम्बस अम्बदो। क्या बताया, मदगुण सुति मात्रेण मई सर्व गुहासये मनोगतिरविच्छिन्ना जथा गंगाम्बस अम्बदो। जो उदाहरण हमने दिया, गंगा जी हिमालय में पैदा हुई, उसका बाद बहती हुई, जाते जाते हजारों किलोमीटर जाके गंगा में अपने को मिला दे, यही काम है। मदगुण सुति मात्रे नमहि सर्व गुहासय मनोगति रवि छिन्ना यथा गंगाम्बस अम्बदो। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुण सौदाहृतम अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। सालोक्य शास्त्रीर सामीप्य सारूप्यैकत्वमपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जना। स एव भक्ति योगाख्य अत्यांतिको उदाहृतः तेना तीव्रजन त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते। अभी बताया ये सब दो एक श्लोक का व्याख्या सुन लो। मदगुण सुति मात्रेण मोहि सर्व गुहासये, हमारा रूप गुण सुनने के बाद पागल का माफिक मनोगति रविच्छिन्ना जथा गंगाम्बस अम्बदौ। गंगा का गति जैसे जा रही है, कोई बाधा रोक टोक किसी भी हालत से बाधा रोक टोक कुछ नहीं होने वाला। ऐसा जो अवस्था है, ये जो मनोगति रविच्छिन्ना, इसको ही शुद्ध भक्ति बोला जाता है।
अविच्छिन्न भक्ति, मनोगतिर अविच्छिन्न अनइंटरप्टेड भक्ति। और मैया को बताए लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहितम, इसी को बोले निर्गुण भक्ति। कोई फायदा लेके धंधा लेके भक्ति मत करो। लक्षणम निर्गुण लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहितम अहेतु की अप्रतिहता बा अव्यवहित है की बात है। यथा अव्यवहित जा भक्ति पुरुषोत्तम, जिस श्लोक को हम पहला स्कंद में बताया था, सब ई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक खजे अहित की अप्रतिहता जयात्मा सु प्रसिद्ध होती। इसका व्याख्या यही है शुद्ध भक्ति। और एक बात कान खुल के सुन लो, सालको साष्टी समीपो सारूपैकत्यम उपयुतो दियमानम न गृणंती बिना मत सेवनम याना। किसी शुद्ध भक्त को बोलो का आप सालक को ले लो, सामीप्य ले लो, सर्प को ले लो, साष्टी ले लो, वो लेगा देगा नहीं। सालक को मतलब समान लोक को प्राप्ति करना, साष्टी मतलब भगवान का मापिक ऐश्वर्य को प्राप्ति करना, सर्प मतलब भगवान का रूप का जैसा रूप है, सालक को मतलब एक ही रूप एक ही धाम में रह सौ लोक। ये सब शुद्ध भक्त जो है कभी भी लेता नहीं है। और साजुज्य मुक्ति तो बिल्कुल नहीं लेते, ये तो सालक को शास्त्रीय सामीप्य सर्प। हाँ साजुब्य तो कभी भी किसी हालत से अगर ये चारों में एक ले लिया समझो, लेता तो नहीं है, लेकिन साजुज्य अगर ठाकुर जी बोले साजुज्य ले दो तो उसको घृणा आता है, थुक्कार देते हैं। साजुज्य मांगे थे साजुद्ध लोहिते भक्तेर हय लज्जा घिना भय नरक बांछे तबु साजुज्य नहीं लय। ये जो साजुज्य है ये भी दो किस्म का है, एक ईश्वर साजुज्य एक ब्रह्म साजुज्य। ब्रह्म साजुज्य मतलब ब्रह्म तेज में ब्रह्म ज्योति में समा जाना, ब्रह्म ज्योति में समा जाना इसका नाम है क्या है, ब्रह्म ज्योति में समा जाना। और जो ठाकुर जी का शरीर में समा जाना ये एक किस्म का साजुज्य, ये उससे भी खतरा है डेंजरस। ब्रह्म साजुज्य अगर साजुज्य तो भक्तों का साजुज्य सुनते ही भक्तों का घृणा आता है लज्जा आता है। अगर ब्रह्म साजुज्य जो है उससे भी और खतरनाक है ठाकुर जी का जो ईश्वर साजुज्य बहुत घृणा। जैसे शिशुपाल पशुपाल, शिशुपाल को पशुपाल भी बोला गया भागवत में, हम नहीं बना के बोल रहे। शिशुपाल पशुपाल का वो जो साजुज्य हुआ था वो ईश्वर साजुज्य हुआ था, ईश्वर साजुज्य हुई थी। ये शरीर ठाकुर जी वो उसका चक्र से काट दिया, उसके बाद आत्मा आके धीरे धीरे ठाकुर जी का चरण में समा गया। देखते हुए हजारों लोग देख रहा है, प्रदीप कमा भी आते 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 इधर आया, आते आते ठाकुर जी के चरण के इधर आया, चरण में मिट गया बस। इसका बोलते हैं शरीर का साजुज्य। जो लोग दैत्य लोग है ठाकुर जी का स्वरूप को मानते नहीं है, वो दैत्य लोगों का जब नाश हो जाता वो दैत्य लोग जाके वो ब्रह्म साजुज्य ब्रह्म ज्योति में मिल जाता। ये शास्त्रों का सिद्धांत है, जीव गोस्वामी पद लिखे हैं। ऐसा करके सारे साचुज्य आदि सब विषय में चर्चा किया। इसके बाद धीरे धीरे अर्चन आदि कैसे कैसे हमारा मन में भक्ति का अलग अलग जो पद्धति है सब बताए। और इसके बाद कैसे जीवों का गति होता है, नरक गति होता है, नरक का विषय में जो वर्णन है वो सुने तो डर के मारे भागेंगे और सुनेंगे नहीं कथा। नरक का जैसा वर्णन है बाबा, कई किस्म का नरक क्या क्या होता है उसका बारे में सब वर्णन है। जो भी है आप सोच लो, आप तो संकीर्तन कर रहे हो, हरि कथा सुन रहे हो, आपका तो नरक कैसे होगा, अगर मिले तो उल्टा ठीक नहीं। और जीवों का मनुष्य योनि प्राप्ति कैसे होता है, 84 योनि घुमन करते करते मैं धीरे धीरे कैसे ये मनुष्य जन्म होता है इसका बारे में थोड़ा वर्णन है। इसका दो एक लाइन हम बताएंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। इधर भले इधर बताए
से भगवान वाचो कर्मणा दैव नेत्रेण यंतुर देहो उपपत्तये कर्मणा दैवेन यंतुर देहो उपपत्ति जीव सब जो देहो प्राप्ति होता है कैसे बल जो स्त्रियाहा प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतो कनाश्रय हो रेत कोना का आश्रय करके माया का कुख में प्रवेश करते हैं। उसके बाद गर्भ में क्या होता है बल जल कोलन तु एक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्बुदम दशत्रेण तु करकंदु बलचन पेशनरोबा ततस्परम मासे न तु शिरोद्याभ्याम बहवा अंग्राद्या बहवो अंग्री हैं बोलचे इधर मासे न तु शिरो द्याभ्याम बहवा अंग्राद्यांगो विग्रहम विग्रह नोखो लोमास्ति हैं लोक नोक लोम अस्ति मर्माणि लिंगो छिद्रो भवस स्त्री भी ये जो है धीरे धीरे होते रहता है। पहला रात में जाइगोट फॉर्मेशन होता है मेडिकल साइंस में, उसके बाद धीरे धीरे एक छोटा सा फल जैसा होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है उसका हाथ पैर नाक मुंह सारे निर्भिन्न होते होते बच्चा मैया के कुख में उल्टा रह जाता है। और मैया जो झाल तेल तीखा सब खाती खाती रहती है ना, वो सब बच्चा का शरीर में लगता है, ऐसा उदाहरण दिया। उसके बाद बहु कष्ट करके जब अंतिम में वायु संचालन के द्वारा ये संतान का आविर्भाव हुआ गर्भ इधर तो गर्भ में स्तुति का विषय है, लेकिन टीकाकारों ने बताया हर जीवों का गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता, गर्भ स्तुति है। गर्भ में स्तुति की उसके बाद फिर जब जन्म है जन्म जब भय तो ठाकुर जी को फिर भूल गया। जन्म हुईलो पोरी माया जाले लिखा है कीर्तन में सुंदर। उसके बाद कुछ दिन बाद बालक होइया खेलिनु बालक समो आर कुछ दिन ज्ञान उपजिलो पाठ पूरी अहो रहो इत्यादि है सुंदर। ऐसा करते रहते जीवन जौवन हुआ शादी हुआ फिर उसका बाल बाल बच्चा हुआ उसके बाद मर गया, यही तो जिंदगी है। तो इसमें जीवात्मा का जन्म कैसे होता है ये सब सुंदर चर्चा किया गया सुंदर। जैसे जीवात्मा जाते रहते हैं जन्म एक जोनी से दूसरा जोनी कैसे जन्म होता है इत्यादि बारे में। और उसके बाद बताया देखो असत्संग बिल्कुल मत करो, चाहे भजन छोड़ के घर में चले जाओ हम बोलता है, लेकिन असत्संग मत करो। असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, कोई कोई आचार्य जो बोलता है आए महाराज घर कहाँ जाए इधर ही रहे, वो उल्टा बोलता है उल्टा बोलता है, वो इधर रहे तो और ज्यादा करोड़ों गुना उसका अपराध बढ़ते चलेगा, उल्टा बोलता कहां जाएगा। तुम्हारा अगर कोरोना है तो उसको परिवर्तन करो, आज तुम्हारा परिवर्तन से अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मठ में क्या करे, भिक्का का चीज खाए अपराध करे और अपराध बढ़ते बढ़ते अंतिम में उसको क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। इससे सिद्धांत तो ये है। और किसी किसी जगह बोलता है महाराज इतना शासन करते हैं श्याम बाबा और बाकी तो कुछ नहीं बोलता ही नहीं उतना, कितना सुंदर सब आचार्य। हम बोला ये शास्त्रों का विधान है, हम तो किसी को गाली नहीं दे रहा है, शास्त्रों का विचार है, शास्त्रों का विचार है और पूरा खुल्ला में खुल्ला उसमें लिखा है नीति शास्त्रों में जो संसार का जो विचार है उसमें भी लिखा हुआ है जो लालयत पंचवर्षाणी दस वर्षानी तारेत पांचवा वर्ष तक बच्चा को लालन पालन करो प्रेम करो चुम्बन करो और जब पांचवा वर्षों का बाद दसम वर्ष पूरा एकदम शासन है कहां जाता है क्या कर रहा है शासन करो, नहीं तो कुत्ता बिल्ली बन जाएगा लड़का नहीं भी रहेगा। शास्त्रों में लिखा हमारा बात है इसीलिए खंडन कर रहा हूं। कोई अगर बोले महाराज कड़ा बात हमारा गुरु जी तो बोलते तुम्हारा गुरु जी बोलता नहीं तो तुम उसको दंडवत करो रो, तुम्हारा अगर पूरा जिंदगी में तत्व ज्ञान मिले तो मिले हम क्या करें, हम तो निंदा करने नहीं बैठे।
लालवेत पंचवर्षाणी दसो वर्षाणी तु तारेत प्राप्ति तु सरसो वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरित। शास्त्र है 5 वर्षों तक प्रेम करो, 10 वर्ष एकदम शासन करो और उसके बाद 1600 वर्षों जो बोला 16 साल का ऊपर, उसके बाद पुत्र को जैसे बंधु है दोस्त ऐसे समझाओ, ऐसा लिखा तो मानोगे तो नहीं मानोगे। तस्मात हैं इसलिए बोला पुत्रों और शिष्यों को तारवेत तारण करना, शासन करना है। हैं लालों ने बहुबो दोसहा, लालों ने अब जो लालन आ हमारा शिष्य है चलो कुछ भी करे नोंगड़ा, ये शिष्य गुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है, शिष्यों को भड़काने वाले हैं। ये गुरु को त्याग करे तो अच्छा है, शिष्य कुछ भी करे लड़की का संग सब बदमाशी करे सब जानते हुए भी करने दे, अरे ये गुरु का काम हुआ, गुरु का काम शासन करना लिखा हुआ है। लालो ने बहुबो गुना बहुबो दोषा, लालो ने बहुबो दोषा तारो ने बहुबो गुणा, तारण करो शासन करो उसमें बहुत गुण आता है। तस्मात पुत्रम तो शिष्यम तारेत न लालेत, लिखा हुआ है तो तुम उल्टा कर रहे हो, ठीक है तुम्हारा गुरु जी अच्छा, हम तो निंदा नहीं कर रहे उसके शरण में दंडवत। और साधु बनना चाहो तो बिल्कुल असत्संग नहीं करना, चारों ओर तुमको मारने के लिए आएगा, चारों ओर से कामिनी कांचन खाना सब मारने के लिए आएगा, सब सावधान रहना, साधु सावधान, फिर कोई आओ करो अवधान, ऐसा बोल के चिल्लाता है ना प्रसाद का टाइम में हैं। और संत लोग क्या करते हैं, दृष्टिपूतम पदम न्यासित वस्त्रपूतम पानी पिबेत, इसका माने क्या है, बोले ये देख देख कर पैर को रखो, जब एक पैर को उठा के एक संत महात्मा रखता है तो हम कहां पैर को रखा विचार करके रखो। और जो संत लोग पानी पीता है पानी को छान के पीता है, पानी पियो छान के हैं, संग करो जान के, संग करो जान के आ पानी पियो छान के, नहीं तो होगा नहीं हैं। और जिसमें इतना अच्छा अच्छा पकवान खाए तो हमारा नींद आ जाए, तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो, ज्यादा पकवान खाए तो उसमें मेरा नींद आ जाए भजन नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो इसका अनिष्ट तुम कर रहे हो। ऐसा जो है सत्तम सौचम दया मौनम बुद्धिर ही श्री यशो क्षमा समो दमो भगश्चेति यत संज्ञात जाति संशयम, असत्संग बिल्कुल नहीं करना, असत्संग करो तो उसमें उल्टा हो जाए, सारे सद्गुण का विनाश हो जाए। एक आदमी के अंदर में जितना सारे सद्गुण हैं सारे सद्गुण जो है वो विनाश प्राप्त हो जाए, मेंटली और डायरेक्टली, मानस में असत्संग करो और डायरेक्टली करो जो कुछ भी जैसे भी करो, असत्संग में द्वारा आपका पतन हो जाएगा। कैसा, भले सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर ही श्री जसो क्षमा समो दमो भगश्चेति जत संज्ञात जाति संशयम। बच्चे सत्यम शौचम, तुम्हारा अंदर सच्चाई है, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि है, ह्री है घटिया काम करने में शर्म है, बुद्धि ह्री श्री है सौंदर्य है, यश है क्षमा गुण है क्षमो है दमो है भगो भी प्राप्त हुआ थोड़ा भगश्चेती यज्ञा जाति संशयम, ये जो जिस संगों के द्वारा तुम्हारा सारे खत्म हो जाएगा, भिखारी बन जाओगे, चाहे बैंक में रुपया है लेकिन ऐसे भिखारी, भजन में भिखारी, भजन में तो तुम्हारा जैसा नंगा कोई नहीं है, तुम भिखारी हो, चाहे चिल्ला चिल्ली करो कुछ भी करो, करोड़ों रुपया रख दिया और ठीक है रखो, लेकिन भजन में तुम भिखारी हो, तुम धनी नहीं हो। जे धने होइया धनी मुनि रे मानो ना मुनि तारी एक कौन मानी अमी न तो सिरे, ऐसा होता है, धन तो इसको नहीं बोला जाता, जो जो इकट्ठा करने के लिए तुम जीवन जौवन को बर्बाद कर रहे हो ये कभी भी धन नहीं माना जाएगा, ये धन नहीं, ये तुमको नाश करेगा, यही तुमको मारेगा। सत्तम शौचम दया मौनम
बुद्धिर ह्री श्री यशो क्षमा समो दमो भगश्चेत यत संज्ञा जाति संशयम तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मेषु असाधुषु संज्ञात न कुर्यात् स्वच्छेषु योषित क्रीड़ा मिगेषु च। कितना सुंदर बात देखो, ऐसा जो अशांत तो है कितना गाली दिया, एक तो है अशांत तो है, मूढ़ है, खंडित आत्मा है, असाधु है, ये लोगों का संग नहीं करना, चाहे तुमको कुछ लोभ दिखाए, चलो हमारा साथ अच्छा रहोगे, खाओगे पियोगे, कोई सेवा नहीं हमारा, जाओ मत, मरोगे हैं, बस मरोगे। तेषु ऐसा जैसा जो आदमी है अशांत, तो लोग जो मूढ़ है, एकदम मूर्ख है, खंडितात्मा है और विषय में रमन करने वाला, और असाधु जो है इसका संग कभी नहीं करना। संगं न कुर्याद सोचेषु, वी रिग्रेट फॉर देम, वी एक्सप्रेस अवर रिग्रेट, हम लोग अनुताप करते हैं, क्या हालत है लोगों का, ऐसा है। भले संगम न कुर्याद सोचेषु योषित क्रीड़ा मिगेषु च, ये योषित क्रीड़ा में योषित को क्रीड़ा मिगो, योषित जैसे जैसे नचाते हैं, योषित जैसे नचाती है वैसे नचते रहते। योषित का मतलब ये मत समझो कि स्त्री, योषित का मतलब ये गौड़ीय सिद्धांत है, बाजार का आदमी ऐसा सिद्धांत तो नहीं जानते। योषित का मतलब आप सोचे, योषित का मतलब आपने सोचे, योषित मतलब स्त्री ना, ये तो है ही है। कई किस्म का योषित संग, एक है आपका लिए स्वामी योषित बन जाएगा अगर आप भोग करना चाहते हो, समझा मेरा बात, कोई स्त्री अगर स्वामी को भोग करना, ये आपका लिए योषित संग हो, तो बड़ा ये गौड़ीय मठ में ये सिद्धांत तो है। ये जो योषित संग है कैसा कैसा योषित संग है, बल्कि स्त्री योषित, कामिनी योषित, कांचन योषित, स्त्री कामिनी योषित, कांचन योषित, प्रतिष्ठा योषित, कोई देखो कामिनी कांचन नहीं है महाराज लेकिन प्रतिष्ठा चाहता है, वो भी योषित संग करे, वो भी पतित हो जाए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी कीर्तन में सुंदर बताना, देखिए रघुनाथ दास गोसाई लिखा ना, प्रतिष्ठा साधृष्ठा सपत रमणी मेरे दिन टेद, प्रतिष्ठा साधृष्ठा सपच रमणी, इतना गाली दिया, वो सपच रमणी है, कुत्ता खाने वाली सपच रमणी, मेरा हृदय में नित्य कर रहा है, आह कितना बड़ा साधु बन गया, माला चढ़ाओ, पैर धुलाओ, अरे हो गया, तुम्हारा खुद का मंगल नहीं हुआ, जगत का क्या मंगल करोगे, सब मूर्ख। ऐसा जो है इधर बताया, तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मेषु असाधुषु संगं न कुर्यात् सच्चेषु योषित क्रीड़ा मिगेषु च, संगं न कुर्याद् प्रमोदासु यातु, इत्यादि सुंदर सुंदर श्लोक है, पंचम स्कंद आएगा देखोगे। तो असत्संग त्याग, असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार, वैष्णव का मूल आचार ही यही है, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, वैष्णवों का आचार का मूल फाउंडेशन यही है। असत्संग करते रहो महाराज हमको त्याग कर देगा, क्या करे, रहता हूं इलाका में उसका पास जाना पड़ता है, जाओ खुद असत्संग करो, सत्संग और जय हो, सत्संग और असत्संग दोनों अगर एक साथ करते रहे तो उसमें फायदा नहीं है। सत्संग भी करे, महाराज आया थोड़ा कथा सुने, ओ महाराज बामन गोस्वामी महाराज की कथा सुना, महाराज कितना सुंदर कथा, और फिर असत्संग भी करते रहे तो क्या होगा, महाराज जी का क्या दोष है। एब्सोल्यूट सत्संग मतलब सत्संग करने का बाद और असत्संग करने का कोई प्रसंग नहीं चले, बी केयरफुल अबाउट दैट। और कपिल जी महाराज कह रहे हैं कि मां मेरा जो माया है इसका बारे में क्या बताए, मेरा एक माया है योषित माया, दुनिया का ऐसा ऐसा करके नचाती है। गुरु जी बोलते थे, गुरु जी सुंदर बोलते थे, हंसते थे सुंदर, बोले ये सब दुनिया सोचते हैं कि ये सोचते हैं हम बड़ा सिद्ध महात्मा बन गया, बड़ा लड़कियों का साथ बात करते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी, आह खुल्ला खुल्ला परिक्रमा में लेके जाए, अरे सब करे,
और ऐसे कैसे संग हो जाता उसको पता नहीं, कैसे संग हो जा रहा है, कैसे संग हो जा रहा है उसको पता नहीं। और चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत तो आज सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा जरूर करेंगे। इसमें इस जो चर्चा हमने किया वो चर्चा स्पष्ट होगा, ये जो चर्चा कर रहे हैं उसका चैतन्य महाप्रभु का विचार है ये स्पष्ट होगा, नहीं तो होगा नहीं। इससे इधर बताया देखो मां, बोले हमारा ये माया है जो शीत रूपी माया, दुनिया का कोई ऐसा नहीं वो माया को जय कर सके, दुनिया में ऐसा कोई नहीं मैया इसको जय कर, एक नर नारायण ऋषि, एक नर नारायण ऋषि हिमालय में नर नारायण उसका पास भेज दिया, मैंने कहा आदि सब नित्य करना शुरू कर दिया, स्वर्गराज इंद्र सोचे इसको इसको तोड़ो इस तपस्या को, नर नारायण तपस्या करते रह गया, ओह सब आके क्या उदम मचाए, कीर्तन गीत एकदम। फिर नरनान ऋषि ने क्या की, धीरे धीरे अपना आंखों को खोले, ऐसे जब आंखों खोले तो डर के मारे वो भयभीत हो गए, बाप रे कौन है। इसके बाद नरनान ऋषि हंसते हंसते अपने उड़ू से पैदा कर दिया उर्वशी को, जा तेरा स्वर्ग में ले जा, इंद्र महाराज को बोले ये सब उर्वशी आदि सब रंभा पैदा कर दिए, जा ले जा। वो भयभीत होके चला गया, इंद्र महाराज को बोले महाराज किसका पास भेजा, ये तो साक्षात नर नारायण है, उरी बाप रे बाप कुछ भी करे क्या होगा, नर नारायण ऋषि साक्षात है उसके बाद काम ही नहीं, क्या करे, कुछ चालाकी करे कुछ करे क्या होगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। इसलिए इसलिए इधर कोपिल जी महाराज कह रहे थे ऋषिम नारायणम ऋते यसित मज्ये हो माया, बोलते तत्सृष्ट सृष्टो सृष्टिषु कोनु अखंडित धीप मानो ऋषि नारायणम ऋते जोश बचन जोशित मया हो माया मये हो माया यसित मई ए हो माया, हमारा जोशित रूपी जो माया एक नर नारायण ऋषि छोड़ के दुनिया में एक दिखाओ उसका पार करके चला गया, कोई नहीं है। कैसा कैसा विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र मुनि फिर उसके बाद क्या वशिष्ठ मुनि रंभा तिलोत्तमा आके ऐसा ऐसा करके भ्रू को नचाया, बस हो गया ब्रह्मचर्य खत्म। गुरुजी बोलते थे बाबा उड़ा देखो सब संग करे कथाबार्ता बोले ऐसा बात करता है, वो जानता नहीं जब भुड़ू के ऐसा ऐसा कर दे आंखों के टेढ़ा आंखें दे हो गया उसका ब्रह्मचर्य पूरा गया पानी में। जाओ पिता माता के रुला के आए हो, पिता माता रो रहे है इधर मस्ती कर रहे है, तुम पशु का मापिक तुम्हारा पिता माता उधर रो रहा है। एक ब्रह्मचारी देखा चंडीगढ़ मठ में हमारा वाला आके शिक्षित लड़का बहुत सुंदर, नाम नहीं बताएंगे सिद्धांत तो बोलना है, शिक्षित लड़का हिमाचल का किसी जगह का, नाम नहीं बताएंगे नाम बोलना उचित नहीं है, इतना सुंदर लड़का देखो तो प्यार करने की इच्छा होता है, उम्र है 24-25 जो हमारा साथ इतना हमको प्यार करते थे चंडीगढ़ में हरिकथा बोलने का आता बहुत सुंदर। ये जो महाराज है महाराज इंचार्ज वो भी बहुत अच्छा महाराज है, ये महाराज का सेवा करते थे, कभी हमारा पास आते थे महाराज चंडीगढ़ में माया जाय करना बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल है, यहाँ जैसे लड़कियों को लड़का लेके जाता है वहां ब्रह्मचारी को उठा उठा के लड़के लड़की ले जाता है, उल्टा उल्टा यहां जैसा लड़की को भी लड़का वहां लड़का लड़की आए ब्रह्मचारी का खाक बस निकल गया हो गया खुची। इसलिए जो भी ब्रह्मचारी सन्यासी चंडीगढ़ में जाता है हम तो डरते हैं, बोले अब हुआ उसका गया। इस लड़का का कितना सारे सद्गुण हम देखते रह जाते, इतना सुंदर। फिर बाद में क्या हुआ, माया का चक्कर में सारे वो मेरा पास वर्णन करते थे, महाराज मैं अपना पिता माता का लौटा लड़का हूं, पिता माता का लौटा, हमारा पिता माता हिमाचल में पहाड़ी छत्ती में रहते, एक बाल्टी बोलते हमारे पास रोते रोते बोलते थे जब अच्छा था, बोले एक बाल्टी पानी लेने के लिए मैया बूढ़ी है ऐसे ऐसे जाना पड़ता है, उधर से लेके चट्टी को पार करके आना पड़ता है, उसी पिता माता को मैं छोड़ के आया। अभी ये बात को ध्यान रखो तो भजन हो सकता, लेकिन बाद में माया का ऐसा चक्कर पड़ा
तो उसको हो गया खत्म, बस पीला कपड़ा है, लाला लाल कपड़ा है। एक दफे मेरा चंडीगढ़ में भाषण था और गाड़ी लेके हमको गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके हम भी है एक एक दूसरे महाराज भी है, प्रवचन का जगह आ रहा है, उधर देखिए एक बड़ा कीर्तन हो रहा है, जैसे फिल्म स्टार लोग कीर्तन करते हैं ना, ऐसे कीर्तन चल रहा है। हम बोले कौन कर रहा है, गाड़ी अभी घुसा नहीं, गाड़ी जब उधर घुसा हमने उतारने का पहले दिखे रे ये कीर्तन कर रहे हैं, ये तो हो गया इसका छुट्टी, जैसे कवाली कीर्तन होता है ना ऐसा, सब माता जी सब बैठा उधर कवाली कीर्तन करते हैं। हम बोले इसको गया खत्म हो गया, बस सत्यानाश हो गया। कभी भी माया का चक्कर में मत पड़ो, पड़ोगे तो भजन नहीं होगा, बस जाओ। ऐसा करके ठाकुर जी ने बताया जो मेरा माया ऐसा है कि देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, तस्मात् तम सर्वभावे न भजस्व परमेष्ठिनम तदगुणाश्रया भक्ता भजनीयो पदाम्बुजम वासुदेव भगवति भक्ति योग प्रयोजित जनयत्वास वैराग्यम ज्ञानो यत् ज्ञानम यत् ब्रह्मो दर्शनम। क्या बताया, वासुदेव भगवति भक्ति योग प्रयोजित जनयत्वास वैराग्यम ज्ञानम यत् ब्रह्मो दर्शनम वांछा कल्पतरुवश्य के वासिंदव्यवच पतितानं पावन वैष्णव्यो नमः। सायंकालीन अधिवेशन में चौथा स्कंद शुरू होने जा रहा है, शंकर जी का लीला, खूब जल्दी आया करो, शुरू करो ना, आज तो एकादशी है, खाने पीने का चक्कर उतना नहीं है।